<laughs> Be a ethical chartered accountant, सर एथिक्स क्या होता है अनएथिकल ऑडिट मैं अन सिखा रहा हूं चलिए जिस दिन मैं जेन्युनली लेट होगा जेन्युनली ठीक है जिस दिन जेन्युनली लेट होगा उस दिन मैं सबको एक एक सेल दूंगा सबको लेकिन अगर मैं लेट हुआ तो मजा इसी में है ना कि तुम सोचते रहो अब लेट होगा अब लेट होगा अब लेट होगा लेकिन ये लेट होता ही नहीं है अरे नहीं नहीं चलिए ध्यान देंगे नाउ क्विकली कितने तरह के ऑडिट थे पहला इंटरनल दो कौन सा एक्सटर्नल और इंटरनल अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है टू गिव ओपिनियन वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव ट्रू एंड फेयर व्यू अगर हम बात करेंगे स्टैंडर्ड्स में तो अपने 200 से लेके कहाँ तक की सीरीज थी 800. 200 से 800. जैसे जैसे हम आगे जाएंगे देखो ये रिविजन करने का तरीका होता है जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो पहले की चीजों को सिर्फ और थोड़ा सा ओवरव्यू मार देते हैं आप लोगों ने भी ऐसा करना चाहिए क्यूमुलेटिव रिविजन करो लेकिन आप क्यूमुलेटिव रिविजन में हर लाइन बार बार आप कर नहीं सकते उसकी जरूरत नहीं है लेकिन आपको इतना भी फील आया कि हाँ यार 200 से लेके 800 उतना काफी है। फिर कितने थे अपने? पहला, पहला, फिर, प्लानिंग फिर एग्जीक्यूशन फिर रिपोर्टिंग फिर अदर्स फिर हमने ऐसे पांच शुरू किया पहला था रोल ऑफ ऑडिट एविडेंस दो तरह के रिकॉर्ड्स है कौन से उंटिंग रिकॉर्ड एंड अदर रिकॉर्ड्स टाइप्स ऑफ एविडेंस था डिपेंडिंग ऑन नेचर डिपेंडिंग ऑन नेचर फिर डिपेंडिंग ऑन depending डिपेंडिंग ऑन सोर्स डिपेंडिंग ऑन वेदर इट or नॉट Corroborative वर्सेज कॉन्ट्राडिक्टरी फिर यहां से हम लोग आगे बढ़े थे हमने बोला था अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है क्या कलेक्ट करना सफिशियंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फिर हम लोगों ने बोला था मेथड्स कहाँ से शुरू होते हैं फैक्ट्री देखी ऑब्जर्वेशन अरे फैक्ट्री देखी ऑब्जर्वेशन फिर उसके बाद में आखिरी में था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन अरे क्या था एक्सटर्नल कन्फर्मेशन क्विकली फैक्ट्री देखी ऑब्जर्वेशन फाइल ली इंस्पेक्शन पूछा कैलकुलेटर लिया पीसी पे बैठे फिर ग्राफ बनाया बाहर वालों को पूछा एक्ഷണल कंफर्मेशन बीच में हमने देखा था ऑडिट प्रोसीजर पहले कौन सी प्रोसीजर होती है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर रिस्क मिलने के बाद फर्दर ऑडिट प्रोसीजर उसमें मैनेजमेंट को बोलते तेरा सिस्टम बता टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स फिर मैं फाइनेंशियल आइटम चेक करूंगा सब्सटेंटिव प्रोसीजर उसमें भी एयर कंडीशन चेंबर में बैठे एनालिटिकल सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर मैदान में उतरेंगे टेस्ट ऑफ डिटेल्स देखो वापस फील अपना मोटा मोटी ऑडिट कैसे होता है ये आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए सबूत तो कैसा हो अरे सबूत तो कैसा हो सफिशंट एंड अप्रोप्रिय सफिशंट मतलब क्वांटिटी अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी क्वालिटी मतलब रिलायबल होना चाहिए और रेलेवेंट होना चाहिए क्वांटिटी में हमने देखा अगर क्वालिटी बढ़ा दोगे तो क्वांटिटी को कम कर सकते हो इट इज फाइन लेकिन सिर्फ पुअर क्वालिटी है बहुत सारी क्वांटिटी बढ़ गई चलेगा क्या नहीं वाई से वर्षा इज नॉट ट्रू वाई से वर्षा बिल्कुल ट्रू नहीं है क्वांटिटी ऑफ एविडेंस कहां पे एविडेंस ज्यादा लेना कहां पे एविडेंस ज्यादा लेना कहां पे एविडेंस कम लेना किस पे डिपेंड करता है एम आर पी एम सेंड फॉर मटेरियलिटी आर सेंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस पी सेंड फॉर पॉपुलेशन पॉपुलेशन दो तरह की हो सकती है होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस फिर हम लोग और आगे बढ़े थे हम लोगों ने बोला था फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी फैक्टर्स अफेक्टिंग रिलायबिलिटी किसके बारे में सोचिए किसके बारे में सोचिए एक्सटर्नल कंफर्मेशन बाहर से आ रहा है कहां से आ रहा है बाहर से आपके दिमाग में कलाकृति आनी चाहिए डायग्राम बाहर से आ रहा है कौन सा पॉइंट है सोर्स अगर सोर्स क्या है एक्सटर्नल और इंडिपेंडेंट तो वो ज्यादा रिलायबल है फिर आपको कैसा आ रहा है वो फॉर्म कैसा होना चाहिए रिटर्न फॉर्म अगर रिटर्न फॉर्म है ज्यादा रिलायबल है कैसा है वो ओरिजिनल मतलब उसका नेचर ज्यादा रिलायबल है किसको मिल रहा है ऑडिटर को जितना डायरेक्टली मिलेगा उतना ज्यादा रिलायबल है याद आ रहा है भाई यस नो देखो लाइव बहुत सिंपल है बहुत आसान है आप लोगों को रोज के ऑडियो सुनने हैं बस देखो हर हर बच्चा अलग अलग है किसी का थेरी स्ट्रांग है और किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है कोई बहुत आसानी से थेरी को समझ लेता है और उसको रिप्रोड्यूस कर लेता है और किसी का प्रैक्टिकल स्ट्रांग है अपन ने देखने का अपन कौन से कैटेगरी में आते हैं अगर अपने को थेरी में चैलेंज आता है बस अपने को दो के जगह तीन दिन का ऑडियो सुनने का है कोई बड़ी बात नहीं है एक बार हैबिट लगनी चाहिए कि भाई मेरे को रोज का करना ही क्या ऑडिट के अंदर रोज घर पे जाके ऑडियो शुरू कर देना है मैंने ड्राइव पे भी डाल दिया है अभी लिंक आ जाएगी ड्राइव पे भी डाल दिया कुछ लोग बोलते हैं ड्राइव पे आप दे दो तो ड्राइव के ऊपर भी आपको लिंक आ जाएगी बस कंटिन्यूसली उसको सुनना है ठीक है अपना जब तक पहला ऐसे कंप्लीट नहीं होता बहुत प्यार मोहब्बत से अपने को हर चीज़ पर काम करते जाना है एक बार आपका बेस बन जाएगा बेस बन जाएगा आप लोगों का फिर हम उड़ने के लिए तैयार है और अभी कुछ बच्चों का आपका ग्रुप वन का भी शाम में क्लास चल रहा है तो अभी कुछ दिनों एक दो दिन की तो बात है ठीक है कब तक अरे दस था ना जय माता दी थी। ठीक है ना चलो तो फिर भी फिर उसके बाद में हम लोग टेकऑफ करेंगे और बहुत सारी चीजें लेकिन एक बार बेस अपना बहुत अच्छा स्ट्रांग बनना चाहिए सही में जेन्यूनली आपका कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अच्छा बनना चाहिए मैं आपको बता रहा हूं कि जितना अभी तक हम पढ़ रहे हैं अगर ये आपको समझ में आ जाता है उसको महसूस करते हो फील करते हो ट्रस्ट मी यू आर डूइंग वेरी गुड यू आर डूइंग वेरी गुड ये जो स्टैंडर्ड हम लोग पढ़ रहे हैं ये कोई बहुत ही सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड स्टैंडर्ड नहीं है इट इज अमंग्स द मीडियम लेवल और मैं आपको बताऊँ जब स्टैंडर्ड नोटिंग शुरू होते हैं इस तरह है के जनरली बच्चों के फ्यूज उड़ जाते हैं अगर आप उसको धीरे धीरे एब्जॉर्ब कर पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है कंटिन्यूअसली ऑडियो सुनते रहे यही एक सोल्यूशन है ऑडिट के अंदर जितना आप ऑडियोज को सुनते रहेंगे आप और कंफर्टेबल और कंफर्टेबल और कंफर्टेबल महसूस करते रहेंगे और इस आदत को छोड़ना नहीं है ओवरव्यू मारते रहना है भली आप लाइन बाय लाइन मत लिखो लेकिन आप ऐसे पेजस्ट कर रहे हैं हाँ ऐसा था ऐसा था नेक्स्ट ऐसा था ऐसा था नेक्स्ट करेक्ट तो इस स्टैंडर्ड को प्यार मोहब्बत से करना है उसके बाद हम और पेस पकड़ेंगे फिर मैंने अभी वापस आज आंसर देखा मैंने एक आंसर ड्राफ्टिंग अपने आप में कला है आर्ट है डू यू अग्री विथ मी आज आपकी टेस्ट है आज आपकी टेस्ट है आपको बता दूं कि आपके टेस्ट में तीन क्वेश्चन पूछने वाले हैं और सबने देना चाहिए बिंदास तीन क्वेश्चन पूछने वाले हैं ऑप्शन मैंने बोला खत्म करो तीन क्वेश्चन है तीन क्वेश्चन के आपको जवाब लिखने हैं आपके पास आप आधे घंटे से चालीस मिनट का टाइम लीजिए किसी को ज़्यादा टाइम लगता है तो भी चलेगा पहले दिन से हमको टाइम की चिंता करनी नहीं है हमको लिखना है दिल खोल के मैं भी देख रहा हूँ कुछ लोग दिल खोल के लिख रहे हैं बहुत अच्छी बात है इस बहाने लिख तो रहे नहीं तो डर के मारे लोग लिखते ही नहीं है सिर्फ इसमें मैं आपको बता दूं जैसे अभी रिलायबिलिटी का कल डीपीक्यू था रिलायबिलिटी का डीपीक्यू था तो आंसर फ्रेमिंग पहले दिमाग में होती है ड्राफ्टिंग जिसकी ड्राफ्टिंग बहुत अच्छी होती है दिमाग में वो बहुत फास्ट लिखता है चीजों को बिंदास मैं होता तो मैं कैसे लिखता कि भाई ऐसे 500 हंड्रेड यहां पर लगता है ऐसे 500 हंड्रेड इज एप्लीकेबल ठीक है फिर उसके बाद मैं बोलता सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट मैं ऐसे एकदम रटने को नहीं आता अप्रोप्रिएट फिर मैं अप्रोप्रिएट से आता किसके ऊपर रिलायबिलिटी के ऊपर फिर मैं बोलता हूँ कि कौन सा सबूत रिलायबल है कि नहीं इसके लिए कुछ क्या होते हैं फैक्टर्स और चार फैक्टर्स पर मैं ध्यान देता पहला सोर्स कहाँ से आ रहा है फिर उसका फॉर्म ओरल है कि रिटर्न है फिर उसका नेचर ओरिजिनल है कि डुप्लीकेट है फिर उसके बाद में डायरेक्टली रिसीव डायरेक्टली मिला कि नहीं मिला इनमें तीन चार चीज़ों पे बात करता बराबर एग्जाम्पल देता फिर मैं आखिरी में आता इंटरनल कंट्रोल्स आपका जो इंटरनल एविडेंस है वो भी रिलायबल हो सकता है अरे वो भी रिलायबल हो सकता है लेकिन क्या चाहिए स्ट्रांग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बड़े प्यार से इसके आंसर एक डेढ़ पेज का बनता है मुद्दों को पकड़ पकड़ के उसके बारे में लिखता आपके पास चलो मैं समझता हूँ सही में आप बहुत हेक्टिक आई शुड रियली से दैट यू आर गोइंग थ्रू वेरी हेक्टिक शेड्यूल ठीक है लेकिन जितना समय बिंदास उसको यूज करिए जितना कर सके आप नहीं लिख पा रहे डीपी क्यू आई अंडरस्टैंड कोई बात नहीं मत लिखिए डोंट बी अंडर गिल्ट मतलब मरमर मर के मेहनत भी करो मरमर मर के दिन रात मेहनत करो ठीक है कम सो सारे दुख दर्द झेलो और उसके बाद में गिल्ट में भी रहो कि मैं ये नहीं कर पा रहा मैं वो नहीं कर पा रहा उससे आपकी एनर्जी कम होती है एब्सोल्युटली फाइन गाइस नहीं कर पाए डीपीक्यू जितना हो सकता है जो हो सकता है खुल के करो एंजॉय करके करो आपको मैंने बताया बी फॉर बेस्ट आई एम द बेस्ट टी फॉर टाइम अपन बहुत बढ़िया टाइम को यूज़ करते हैं करेक्ट एन एच फॉर हैप्पी जितना अचीव किया जितना मैंने मरमर के दिन भर में पढ़ा बहुत पढ़ा अच्छे से पढ़ा कोई चिंता की बात नहीं है और आखिरी में और एक चीज़ जोड़ सकते हो एल इज़ फॉर बी अ लर्नर आपने खुद के बारे में समझते जाओ सबको समझता है मैं थेरी में स्ट्रांग हूँ प्रैक्टिकल में स्ट्रांग हूँ इससे मैं ऐसा करता हूँ एंड सो ऑन चलिए आइए आखिरी में हम लोग बहुत प्यारी चीज पढ़ रहे थे एविडेंस हो तो कैसा आखिरी में रेलेवेंट हो अरे कैसा हो रेलेवेंट exactly उसको कवर करने वाला जो एविडेंस होता है उसको कवर करने वाला जो एविडेंस होता है वो कौन सा एविडेंस होता है रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस पहले रेलिवेंस का मतलब समझाना है कौन सा एग्जाम्पल था इनवेंट्री इन्वेंट्री में रिस्क थी एग्जिस्टेंस अगर एग्जिस्टेंस में रिस्क है तो डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या होनी चाहिए अकाउंटिंग टू ऑडिट एविडेंस याद आ रहा है क्या पचास इन्वेंट्री सिलेक्ट करो कहां से लिस्ट से से और किससे मैच करो ऑडिट एविडेंस लेकिन अगर रिस्क इसमें कंप्लीटनेस कंप्लीटनेस में रिस्क है हमको डर लग रहा है कहीं कुछ छूट तो नहीं गया गोडाउन में जाओ कितने सिलेक्ट करो पचास और उसको किसपे मैच करो लिस्ट में मतलब डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है ऑडिट एविडेंस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड ये समझना बहुत बड़ी बात है धन्य हो गए गंगा लिए सब लोग ठीक है फिर उसके बाद हमने उसी एग्जाम्पल को और थोड़ा सा एक्सटेंड मारा हम लोगों ने क्रेडिटर से लिया किससे लिया क्रेडिटर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर अरे लिस्ट ऑफ क्रेडिटर लिस्ट ऑफ क्रेडिटर उसके एविडेंस थे याद आ रहा है क्या पूरा हमने डायग्राम बनाया लिस्ट ऑफ क्रेडिटर उसका एविडेंस अगर आपको डर है क्रेडिटर्स आर ओवर स्टेटेड आर ओवर स्टेटेड साफ साफ बोलो ना ओवर स्टेट मतलब क्या oh. मतलब कुछ नकली क्रिएटर है नकली क्रेडिटर्स है मतलब रिस्क इसमें है एग्जिस्टेंस फिर पचास क्रिएटर को सिलेक्ट करो और किससे मैच करो ऑडिट एविडेंस से डायरेक्शन ऑफ टेस्टिंग क्या है अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू ऑडिट एविडेंस पॉइंट क्लियर ठीक है फिर इसके बाद हमने देखा था अगर रिस्क इसमें कंप्लीटनेस <laughs> में कि कुछ क्रेडिटर मिसिंग तो नहीं है अगर कुछ क्रेडिटर मिसिंग तो नहीं है तो फिर आप एक का रैंडमली कहां से ले करो एविडेंस से और देखो लिस्ट में आया कि नहीं आया। याद आ रहा है क्या भाई yes, आपको ये एग्जांपल देने हैं। एग्जांपल एक दो किसका इन्वेंट्री का एक दो किसका क्रेडिटर का एक था डेटर का किसका था डेटर का अगर आप डेटर का सबसेक्वेंट रिकवरी चेक करते हो क्या चेक करते हो सब्सिक्वेंट रिकवरी और आपको दिखता है पांच, पांच महीने के अंदर 500 सौ करोड़ में से चार सौ पंचानवे करोड़ फोर फाइव करोड़ मिल गया आपके मन में एक विश्वास पैदा होता है डेटर असली था डेटर असली था उसका वैल्यू भी सही था यू गेट एविडेंस अबाउट एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिलता किसको लेकर कट ऑफ ये तो प्रूव होता है मैंने बहुत प्यारा ऑडियो बनाया था इन सभी चीज़ों को मैंने दोहराया था करेक्ट मुझे कभी कभी ऐसे यहाँ से इतना जल्दी मेरे को फील आता है कि कुछ चेहरे ब्लैंक चल रहे हैं ठीक है कुछ चेहरे ब्लैंक चल रहे हैं शायद क्लास मिस हुआ देखा नहीं है एब्सोल्युटली फाइन जो क्लास मिस हुआ मैं आपको बता दूं क्लास मिस होने को कभी बहुत ज़्यादा टेंशन लेने का नहीं मोटा मोटी सब कॉमन सेंस रहता है दो तरह के बच्चे रहते क्लास मिस होने के बाद मैं एक बैठता है ये सुना हुआ है ये भी सुना हुआ है ये समझा मेरे को आधा तो समझ गया आधा जुगाड़ लेंगे ऐसे बच्चे रहते हैं ये एक नंबर अल्फा लेते लोग कौन रहते लोग अल्फा अल्फा मेल एंड फीमेल कुछ ऐसे रहते हे भगवान क्या क्या छूट गया मेरा जीवन में पता नहीं मैं इससे उभर पाऊंगा कि नहीं उभर पाऊंगा ठीक है ये भाई अलग ही इनको बाहर निकालना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है तो इट्स एब्सुलटली फाइन ऐसे कोई खास टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है ना लिसन कट ऑफ था कट ऑफ समझता है सबको चीज़ें कंटिन्यूसली चलती है चीज़ें कंटिन्यूसली चलती है मैं आपको बता दूँ कल का क्योंकि आखिरी आखिरी में देख रहा था कुछ लोग डोलना शुरू हो गए थे लेकिन बोला मेरे पास ऑप्शन था आखिरी पाँच मिनट में जोक सुनाऊँ जोक सुनाऊंगा फ़ायदा एफएम में होगा नुकसान ऑडिट में होगा टाइम तो मेरा जाएगा, टाइम तो मेरा जाएगा और फायदा उधर होगा बीच में जोक सुना के मतलब है मतलब मेरे दस मिनट गए लेकिन अगले बीस मिनट का मजा मेरे को मिला बराबर देखो इधर अलग हिसाब चलता है ना बहुत शाना है बोले नहीं ब्रेक मिलती है ना एफएम के पहले तो लिसन लेकिन फिर से ये बात समझ लो आप बहुत अच्छी बात बहुत सिंपल बात है 500 करोड़ का डेटर खड़ा है 31 मार्च को और मुझे चार फोर नाइनटी फाइव करोड़ मिल गए तो विश्वास आ गया कि भाई ये डेटर असली भी था और इसका वैल्यू सही भी था लेकिन पांच सौ करोड़ के डेटर में कुछ क्रेडिट सेल छूट तो नहीं गए इस साल के कुछ क्रेडिट सेल अगले साल तो नहीं चले गए कहीं ऐसा तो नहीं हुआ पांच अप्रैल का सेल मैंने इस साल ले लिया ये चेक नहीं होता 500 करोड़ की रिकवरी अच्छे से यह चेक हो गया लेकिन क्या ये सही में थर्टी फर्स्ट मार्च तक का है क्या, क्या? कहीं गलती से इधर का उधर तो नहीं हो गया उधर का इधर तो नहीं आ गया क्या चेक नहीं होता कट ऑफ तो बढ़िया है बोले तुम्हारा एक चेक हो है, लेकिन आपका कट ऑफ चेक नहीं हो रहा उसके लिए क्या करना पड़ेगा आखिरी पांच दस ट्रांजेक्शन इस साल के और पांच दस ट्रांजेक्शन अगले साल के और डेट पे फोकस करो इस साल में जो दिख रहा वो इस साल का होना चाहिए अगले साल में दिख रहा है वो अगले साल का होना चाहिए मिसमैच हुआ है मतलब किसमें प्रॉब्लम है कट ऑफ समझा क्या भाई तक? फिर मैं आखिरी में एक बात समझा रहा था और ये सब क्रिटिकल मैं आपको मैं क्या बताऊं आपको ऑनेस्टली स्पीकिंग अगर ये ऐसे कि सारी बातें आपके दिमाग में कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो गई ना बहुत सारी चीजें अपनी क्लियर हो गई ये बिल्डिंग ब्लॉक्स है अब आप देखोगे इसी का मसाला प्लस माइनस चलता रहता है इसी का मसाला प्लस माइनस आगे तक चलता रहेगा ठीक है नाउ मैंने आपको बताया था हर assertion, मतलब असरशन को प्रोटेक्ट करने वाला कंट्रोल अलग हो सकता है assertion को प्रोटेक्ट करने वाला कंट्रोल अलग हो सकता है भाई क्या बोल रहा है ये आपको याद आ रहा है एक मैनेजर को रखा था सिर्फ क्या चेक करने के लिए प्राइस मतलब वो किसको चेक कर रहा है एक्यूरेसी एक मैनेजर को बोला था एक मैनेजर को बोला था कि जब तक जीआरएन नहीं आता तू अकाउंटिंग नहीं करेगा उसका पूरा ध्यान किस पे ऑकरेंस एक मैनेजर सिर्फ क्या चेक कर रहा है एक्यूरेसी मतलब वन कंट्रोल इज फॉर एक्यूरेसी अदर कंट्रोल इज फॉर ऑकरेंस एम्प्लॉय को चार्ट लेकर बिठाया एम्प्लॉय को चार्ट लेकर बिठाया कि सही अकाउंट में ले जाना सही अकाउंट में ले जाना वो एम्प्लॉय किस चीज को चेक कर रहा है क्लासिफिकेशन तो वो क्या बोल रहे देख बेटा जिस में डाउट है ना तो तो की चीज चेक करेगा तो कोई सेंस नहीं बनेगा जैसे किसी भी बीमारी का डायग्नोसिस होता है बहुत ही डीप जाकर के एग्जैक्टली प्रॉब्लम कहा है वैसे हम डीप जाकर एनालिसिस करते हैं कौन से असर्शन में प्रॉब्लम है और बराबर उसी का टेस्ट ऑफ कंट्रोल करते हैं और उसी का सब्सटेंटिव प्रोसीजर लगाते हैं एक एग्जांपल और दे रहा हूं ताकि और क्लैरिटी बने देखो आपकी सोचने की पावर भी इससे और इंप्रूव होगी स्क्रैप सेल कौन सा स्क्रैप सेल सब स्क्रैप समझता है क्या होता है भंगार भंगार कबाड़ी सबसे ज्यादा पैसा आज केड में प्रमेंडस पैसा सबसे ज़्यादा पैसा है मतलब मेरे दोस्त जो सी ए है उसके बड़े भैया सी ए कर रहे थे छूट गया उनका सी ए ठीक है हम उनसे परेशान हो गए थे हम कहीं पर भी अब वो भैया ज़्यादा बड़े नहीं थे हम सब साथ में घूमते थे कहीं पर भी कबाडी वाला मिला कि रो गाड़ी तू कहाँ माल बेचता है तेरा क्या है मेरे पास आ तेरे को दो रुपए किलो ज़्यादा दूंगा कबाड़ी वाले को जमा करते हर जगह से मतलब आज वो चार सी ए जितना पैसा नहीं बनाते होंगे उतना पैसा वो बनाते क्योंकि जिसको कोई वैल्यू नहीं कर रहा जिससे लोग छुटकारा पाना चाहते हैं जो फ्री में अवेलेबल है वो उससे पैसा बना रहे हैं मेकिंग ह्यूज मनी एक नंबर धंधा है सबसे बड़ा धंधा है कबाड़ को लेना उसको सेग्रीगेट करना उसको क्वालिटी के हिसाब से ग्रेडिंग करना और उसको बेचना बिग बिजनेस तो देखेंगे आप में से कितने लोग ऐसे नए नए काम करते हैं अरे छोटा नहीं बोल रहा कबाड़ बहुत बड़ा धंधा नो एनी जनरेट होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अरे पे होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में और कंपनी का और एक डिपार्टमेंट है वेस्ट मैनेजमेंट कौन सा मैनेजमेंट वेस्ट मैनेजमेंट उसमें से जो बेच सकते बेच डालते उसमें से जो रिसाइकल करना है वो रिसाइकल कर डालते अब ध्यान सुनो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में हर महीने कितना स्क्रैप जनरेट हुआ वो लोग नोट करते कौन से कौन से चीज का कितना स्क्रैप जनरेट हुआ और मंथ एंड में वेस्ट डिपार्टमेंट से बुलाते तुमने कितना बेचा बताओ अगर इतना इतना टन ये जनरेट हुआ था तो तुम्हारा उतना सेल दिखना चाहिए या तो दिखना चाहिए बिक गया या तो दिखना चाहिए तुमने क्या किया रिसाइकल किया क्या इंटरनल कंट्रोल है सुपर जबरदस्त इंटरनल कंट्रोल है ये देखता है इंटरनल कंट्रोल की माल सही में बिका कि नहीं बिका पैसा आया कि नहीं आया बनाता है एक एम्प्लॉय और उसका सुपरवाइजर उस पर साइन मारता है ये देख के मन में ये कंट्रोल इंश्योर करता है इट इज अ रियल स्क्रैप इट इज अ रियल स्क्रैप स्क्रैप सही में जनरेट हुआ है अरे स्क्रैप जनरेट हुआ है और कोई भी स्क्रैप छूटा नहीं है अरे कोई भी स्क्रैप छूटा नहीं है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने ऐसा मंथली डेटा रखना और उसको मैच करना दिस कंट्रोल प्रोटेक्ट दिस कंट्रोल प्रोटेक्ट ऑकरेंस इट प्रोटेक्ट ऑकरेंस कि सही में स्क्रैप सही में स्क्रैप इतना जनरेट हुआ था इट प्रोटेक्ट कंप्लीटनेस कोई स्क्रैप छूटना नहीं चाहिए क्या बात है भाई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दिल खुश कर दिया तुमने तुम हर महीने ये काम करते हो वेस्ट डिपार्टमेंट तू क्या करता है बोले हम हम क्या करते ग्रेडिंग -ग्रेडिंग करते पूरा ग्रेडिंग वेडिंग हर, करते. करते? हर स्क्रैप की बोली लगती है और जो सबसे ज्यादा भाव दे उसको सेल होता है ऑक्शन वाला बंदा अपने सिग्नेचर स्टैम्प के साथ रिपोर्ट देता है वाह मतलब प्राइस में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती क्वांटिटी में कोई गड़बड़ नहीं हो सकती ऑक्शन वाले की रिपोर्ट इज अ कंट्रोल ओवर एक्यूरेसी। इट इज अ कंट्रोल ओवर एक्यूरेसी। कंप्लीटनेस के लिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर कंट्रोल है रेट और क्वांटिटी के लिए वहां पर है ऑक्शन वेस्ट डिपार्टमेंट में कंट्रोल है अरे समझ रहे क्या अरे यस नो अगर मुझे कहीं से लगता है कि यार प्राइस में गड़बड़ लग रही है प्राइस में गड़बड़ लग रही है तो मैंने कौन सा कंट्रोल चेक करना चाहिए ऑक्शन वाला कि ऑक्शन वाला काम बराबर चल रहा है कि नहीं चल रहा है मैं जाके खुद अटेंड कर सकता हूं एक ऑक्शन ऑब्जर्व कर सकता हूं बोली कैसे लगाई जाती है सिलेक्शन कैसे किया जाता है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट अरे यस नो और अपना अकाउंट्स डिपार्टमेंट का बंदा देखता है भाई भंगार में उधारी नहीं होती पहले डीडी दे फिर माल मिलेगा

अकाउंट्स वाला बंदा फिर से चेक करता है ऑकर हुआ कि नहीं हुआ रेट बराबर है कि नहीं है मतलब अकाउंट्स वाला बंदा सारे असर्शन को फिर से चेक करता है अरे समझ रहे क्या आप इससे क्या समझ रहे हैं अलग अलग असर्शन के लिए अलग अलग कंट्रोल हो सकता है कभी कभी एक ही कंट्रोल मल्टीपल असर्शन को कवर कर सकता है अरे यस नो एज ऑडिटर आपने बहुत शातिर बनना चाहिए जिस असर्शन में डाउट है उसका क्या आइडेंटिफाई करो कंट्रोल और उसी को जाके टेस्ट करो तो आपके मन में विश्वास पैदा होगा ए भाई एक्यूरेट है मेरे को विश्वास है एक्यूरेट है ए भाई मेरे को विश्वास है कि ऑकरेंस हुआ है भाई मेरे को विश्वास है कि सब कुछ कैसा है कंप्लीट है दिख रहा है ना यार दो महीने का चेक किया मैंने दस हजार टन स्क्रैप जनरेट हुआ था दस हजार टन का सेल दिख रहा है हो गया कंप्लीटनेस सब कुछ तो कंप्लीट हो रहा है मुझे कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है इज इस पॉइंट क्लियर अरे यस नो आखिरी पॉइंट वहां पे सब्सटैंडिव प्रोसीजर्स आर डिजाइन सबस्टेंटिव प्रोसीजर्स आर डिजाइन डिजाइन करना मतलब तय करना डिजाइन करना मतलब टू डिसाइड लिख दो वहां पे डिजाइन करना मतलब डिसाइड करना सब्सटैंडिव प्रोसीजर को डिजाइन किया जाता है मतलब क्या किया जाता है डिसाइड किया जाता है यस yes, ऑनलाइन वाली जनता बहुत बढ़िया substantive procedure are designed designed to check assertion of transaction balance disclosure jis assertion mein problem hai uske liye aap tay karo ye hum pehle hi pad chuke hai isme analytical procedure bhi ho sakti hai ya fir test of details bhi ho sakta hai आसान शब्दों में अपनी भाषा में substantiate करने के दो तरीके हैं air कंडीशन chamber में बैठ के, analytical procedure, प्रोसीजर मैदान में उतर के टेस्ट ऑफ इट शुड बी टू चेक पर्टिकुलर असर्शन जिसमें दिक्कत है उसमें चेक करो एक्सटर्नल कंफर्मेशन और सब्सिक्वेंट रिकवरी से एग्जिस्टेंस चेक होता है एग्जाम्पल के तौर पर क्या चेक होता है प्रॉब्लम है, है उस असर्शन का आपको क्या मिले एविडेंस लेट्स फ्रीज गाइस कभी अगर आपको शॉर्ट नोट आए रिलेवेंस पे कौन मुझे बताएगा सिर्फ मेरे को कौन से -कौन से मुद्दों पे आप ध्यान दोगे अगर किसी को बोला सिंपल और एकदम कोई इंग्लिश नहीं चाहिए मेरे को आसान साफ शब्दों में अपनी भाषा इफ़ यू कैनॉट एक्सप्लेन समथिंग इन योर ओन लैंग्वेज आई डोंट कंसिडर यू हैव अंडरस्टूड इट प्रॉपरली ठीक है जो जो भी बताया जाता है कि भाई आपको एक शॉर्ट नोट बड़ा प्यारा समय आप सिर्फ मुझे बताओ कौन से कौन से मुद्दों पे ब्रॉड कौन से कौन से मुद्दों को आप समझाओगे ठीक है थिंक अबाउट इट देन रेज योर हैंड ठीक है आऊंगा मैडम अगर कोई नहीं बोल रहा है तो आपकी तरफ आ ही जाऊंगा मैं ओके कौन जवाब देना चाहेगा अरे ठीक है बोल भाई हाँ वैसे आराम से बैठ के जैसे कंफर्टेबल हाँ रिलेवेंस पे शॉर्ट नोट लिखना है तो तू बोल रहा है कि दो चीज हम लोग चेक करेंगे रिलेवेंट किस पे एग्जिस्टेंस किसी आइटम का और कंप्लीटनेस ऑफ आइटम का एक्यूरेसी चेक करेंगे ओके ओके ठीक है मैं समझ रहा हूं यू आर फोकसिंग ऑन डिफरेंट असर्शन अलग अलग असर्शन के बारे में तू बात कर रहा है, ऑनलाइन वाला बोल रहा है, आ, सौम्या बोलता है कि पहले मैं डेफिनेशन बताऊंगा, निखिल बोलता है मीनिंग फिर निशांत बोलता है एग्जाम्पल्स बताऊंगा, मीनिंग ऑफ रेलेवेंस बताऊंगा, तीन एग्जाम्पल दूंगा इन्वेंट्री क्रिएटर और डेटर के एमआरपी समझाऊंगा अनूप बोलता है निखिल बोलता है एग्जाम्पल दूंगा वन टू तो, थ्री डिफाइन रेलेवेंस देन एग्जांपल यस एनीवन वांट्स टू ऐड यस मैडम आएंगे मैडम डोंट वरी असर्शन मतलब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन विच वी गेट फ्रॉम फाइनेंशियल आइटम ओके जिस असर्शन में हमको दिक्कत आती है उससे रिलेटेड हमने एविडेंस ढूंढना चाहिए ओके यस सर सबसे पहले ऐसे फायर का रेफरेंस देंगे ओके ग्रेट एविडेंस हो तो कैसा हो सफिशियंट एंड अप्रोप्रिएट फिर फिर आएंगे डेफिनेशन ऑफ रेलेवेंस। व्हाट डू मीन बाय रेलेवेंट? ऑडिट एविडेंस फिर एक्षाम्पल फिर एग्जांपल पे आएंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे होने चाहिए टू ऑप्टेन रिलेवेंट ऑडिट एविडेंस प्रोसीजर कैसे होने चाहिए ब्यूटीफुल मैडम कुछ ऐड करना है आपको समझ गया मैं आप एग्जाम्पल बताना चाहते हैं नहीं फाइन मतलब सर ने इतना सटीक जो मैं चाहता था एकदम परफेक्ट अगर मुझे शॉर्ट नोट लिखना है रिलेवेंस पे तो मैं पहले बोलता कि कौन सा ऐसे एप्लीकेबल है ऐसे 500 ऐसे 500 अवेलेबल है जो ऑडिट एविडेंस से डील करता है जो हमको बताया वॉट डू मीन बी ऑडिट एविडेंस कैसे इसको इकट्ठा करना है सो ऑन so एक लाइन में फिर मैं बोलता सबूत हो तो कैसा हो सफिशेंट एंड अप्रोप्रिएट सफिशियंट मतलब क्वान्टिटी अप्रोप्रिएट मतलब क्वालिटी रिलायबल एंड रिलेवेंट फिर मैं आता रेलेवेंट पे वो सबूत जो हमारे मन का डाउट क्लियर करे एग्जैक्टली exactly वो जो डाउट था वो सबूत जो हमारे मन का रिस्क कवर करे रिस्क एट असर लेवल कवर करे वो सबूत क्या है रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस फिर हम एग्जाम्पल पे आते कि देखो इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो जाकर देखना पड़ता है लेकिन अगर वैल्यूएशन चेक करना है एग्जाम्पल देखे थे वैल्यूएशन चेक करना है तो एक्सेल शीट पे बैठना पड़ेगा देखो कैसे रेलेवेंट एविडेंस बदल गया अरे रेलेवेंट एविडेंस बदल गया फिर क्रेडिटर को देखो क्रेडिटर का एग्जिस्टेंस चेक करना है तो डायरेक्शन ऑफ चेकिंग इज अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स टू ऑडिट एविडेंस लेकिन कंप्लीटनेस चेक करना है तो ऑडिट एविडेंस टू अकाउंटिंग रिकॉर्ड फिर देखो डेटर डेटर का जब मैं एक्सटर्नल कंफर्मेशन सब्सिक्वेंट रिकवरी देखता हूं तो मुझे प्यारा एविडेंस मिलता है एग्जिस्टेंस एंड वैल्यूएशन लेकिन मुझे एविडेंस नहीं मिलता किसके लिए कट ऑफ एग्जाम्पल दे दे के मैं समझाना चाहता हूं कि हर असर्शन का रिलेवेंट एविडेंस अलग होता है फिर हम बोलते हैं कि बेटा टेस्ट ऑफ कंट्रोल को इस तरीके से तय कर डिजाइन कर कि तू आइडेंटिफाई कर इस असर्शन को प्रोटेक्ट करने वाला एग्जैक्टली exactly कंट्रोल कौन सा है और उसी को जाकर टेस्ट कर सबस्टैंडिव प्रोसीजर भी प्रोसीजर में दो चीजें आती है एनालिटिकल और टेस्ट ऑफ डिटेल उनको भी ऐसा तय कर कि तुझे कौन सा एविडेंस मिले रेलेवेंट ऑडिट एविडेंस ये आपका प्यारा से, ये है कला कि मुझे कॉन्सेप्ट समझा मैंने प्यार से समझा उसको मैंने उसका एक फ्लो बनाया डायरेक्ट कभी भी आंसर हड़बड़ाहट में लिखना शुरू मत करो बच्चे मेरे को पूछते हैं फास्ट कैसे लिखते हैं फास्ट अपना दोस्त था उसको ऐसे मजा आ गया अपना दोस्त था वो जब लिखता था पूरा बेंच छिलता था मतलब पूरे लोग अलग ही मजे ले रहे ठीक है तो पूरा बेंच हिलता था और आस पूरे मतलब क्लास में सबको डिस्टर्ब कर रहा है आदमी सबको डिस्टर्ब कर रहा और उसको हमेशा डर था कि मेरा पेपर पूरा नहीं होगा और सबसे पहले सप्लीमेंट मांगने वाला बंदा उसको लगता था कि वो तूफ़ानी कर रहा है लेकिन उसका डर था ही वॉज अ फ्राइटन गाय इतना डरता था वो एग्ज़ाम में इतना प्रेशर लेकर जाता था कि मेरा पेपर कंप्लीट नहीं होगा और उसके बाद में हड़बड़ाहट में ऐसे खड़ 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 कुछ तो भी लिखना शुरू कुछ तो भी करना शुरू और यहाँ पे हमारी बाकी जनता उसको समझा दी थी पगला है क्या चेल मार थोड़ा सा यहाँ पे हम पहले एनालाइज कर रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन पहले लिखेंगे उसकी दिमाग में ड्राफ्टिंग ले रहे हैं एक बार ड्राफ्ट क्लियर हुआ फिर जो लिखना शुरू किया स्पीड कम्स विथ क्लैरिटी इफ यू हैव क्लैरिटी ऑफ थाट्स कि मैं ये करना चाहता हूं फिर स्पीड जमती है आधा आंसर लिख के ऐसा कर लूँ क्या वैसा कर लूँ क्या चेंज कर लूँ क्या कंफ्यूज हो गया इतना बड़ा स्पीड ब्रेकर होता है कि आपके पेपर को बहुत स्लो कर देता है तो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स इसलिए पहले दिमाग में इस तरीके से आंसर ड्राफ्ट होना चाहिए और आप ये सीखोगे पहले दिन से अगर सब कुछ हो जाता तो हमको कोई क्लास की जरूरत ही नहीं थी इट इज एब्सोल्यूटली फाइन वी आर जस्ट एट द स्टार्ट ऑफ द क्लास डोंट अंडर एस्टिमेट यूर सेल्फ ठीक है आप सीखते जाओगे आप फोड़ना शुरू करोगे आप जबरदस्त ड्राफ्टिंग करोगे प्यारे अपने आंसर लिखोगे एंड यू यू नो एक्सपर्टीज बनेगी धीरे धीरे चलिए रेलेवेंस खत्म हुआ हमारा अब आगे बड़ा प्यारा आइए ऐसे 500 में और ये बड़ा स्टैंडर्ड है ये बड़ा स्टैंडर्ड है बहुत सारी इसके अंदर बातें प्यार मोहब्बत से पढ़ते हमको जाना है आज का पेपर आपको कुछ नहीं करना है कल तक के ऑडियो सुनना है पड़े आराम से कल तक के पूरे ऑडियो सुनना है आपको हिंट दे रहा हूँ मैं पेपर लीक कर रहा हूँ उसमें से कुछ ना कुछ आने वाला है तो वो इतना ही तो पढ़ा है उसमें से कुछ ना कुछ आने वाला है और बिंदास लिखना है ठीक है सी वी पे पेपर चेकर्स उसका फ़ायदा यूज़ करो लिखो बराबर जब आप लिखोगे तो पैसा वसूल होगा नहीं तो पैसा वेस्ट हो जाएगा ठीक है ना चलिए आप मुझे बताओ कि ऑडिट की रिक्वायरमेंट कौन से कौन से इंडस्ट्री में जहां जहां पैसा वहां वाह अकाउंटिंग जहां जहां अकाउंटिंग वहां वाह ऑडिटिंग चलो मेरे को थोड़ा सोच के बताओ कौन सी -कौन सी फिर भी नाम लो थोड़े से इंडस्ट्रीज का बैंकिंग बैंकिंग मैन्युफैक्चरिंग टेलीकॉम एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन और होटेल्स फर्टिलाइजर्स सेक्शन एट कंपनी हॉस्पिटल्स रियल एस्टेट, आई टी सेक्टर इंश्योरेंस सेक्टर किसमें ट्रांसपोर्ट सेक्टर एजुकेशन पहले ऑडिट होना चाहिए बोले ठीक है वी स्मार्ट कॉर्ड होना चाहिए बोले भाई सच देखो बुरा मत मानना सबसे चेपड़ा कोर्स चेपड़ा मतलब <laughs> सबसे कम कॉस्ट सबसे कम कॉस्ट अगर किसी कोर्स की वो कौन सा है सीए है इस तरीके से डिजाइंड है वो क्योंकि इसका अपना खुद का कोई कॉलेज नहीं है तो कोई कॉलेज फीस नहीं है लोग जितना एक सेमिस्टर में लगाते एमबीए के उतना हम पांच साल में लगाते उससे भी कम लेकिन जब कमाने के लिए बैठते तो वो जितना पांच साल में कमाते हैं, हम एक साल में ओके गवर्नमेंट कंपनीज में ऑइड होता है एविएशन फार्मा पावर, क्या पावर हाँ ट्रस्ट का ऑइड होना चाहिए मैम आपको जानना मैं आप बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रीज होते हैं जिसमें बहुत टेक्निकल चीजें होती है जैसे आपको पता है कि दवाई कैसे बनती है कौन से केमिकल्स होते हैं, क्या प्रोसेस दवाई कैसे बनती है पता है क्या आपको समझता कि भाई एविएशन में इंजन को कितना कॉस्ट लगता है उसका मेंटेनेंस कितना लगता है लेबर कितना लगता है रॉमल कितना कुछ समझता क्या अब जैसे जूलर है ठीक है अब अपने को तो अ बॉय ठीक है तो अपने को नॉलेज कम है मैं तो गलती से एक बार मैंने ब्लैक डायमंड देखे कहीं पर तो शायद मॉरिशस गए थे घूमने तो वहाँ पे ब्लैक डायमंड तो मेरे को लगा यार सस्ते रहते होंगे मैं। मैंने बुलाया मैडम को देखिए डायमंड कितने अच्छे लग रहे तो ऐसा देखा मेरे को तुमको मालूम है कोई इसके बारे में नहीं आओ तुमको बता दी क्या है ये उसका प्राइस देखा मैंने बड़े राम 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 बोला जितने की अपनी ट्रिप है उससे पाँच गुना इसकी कॉस्ट है रिवर्स 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 करेक्ट भाई नहीं नहीं सात भाई सात करोड़ जितना मेरे को याद आता है कि फिफ्टीन के था पंद्रह लाख का था और एक ऐसे छोटा सा सेट कुछ था ठीक है बस आ जा भाई कौन है बस वाले ठीक है ध्यान देंगे अरे मैं तो समझ आता सोवेनियर होता ना ट्रिप की कोई याद मैं सोवेनियर समझ रहा था मतलब ज्यादा हाँ। से कितना बोले बोले पंद्रह बीस पच्चीस हजार भाई पंद्रह लाख भागो इधर से पॉइंट इज अगर मैं ज्वेलरी इंडस्ट्री में जाऊंगा तो मेरे को जेम्स का कोई नॉलेज नहीं है सबसे कॉम्प्लीकेट चीज़ है एक ज्वेलर का डायमंड दूसरे के पास लेके जाओ बोले बेकार है कितने कैरेट का है उसमें क्या क्लैरिटी है कितने ज्वेलर वाले यहाँ पे कोई है क्या अरे यहाँ पे बोले बेकार है कितने कैरेट का है क्या क्लैरिटी है क्या टिंच है उसमें क्या 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 पर फलाना 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 अपने को समझ में आता नहीं है मैं ये बोलना चाहता हूं इतनी सारी इंडस्ट्रीज है इतने कॉम्प्लेक्स धंधे हैं क्या क्या मशीनें हैं क्या क्या प्रोसेसेस है क्या क्या लॉजिक है, है, है फॉर्मूलाज है जैसे एक अडोर वेल्डिंग करके कंपनी है शेयर मार्केट बहुत फेमस है वो वेल्डिंग रॉड्स बनाती क्या बनाती वेल्डिंग रॉड्स अरे भाई उसके धंधे में एक फॉर्मूला लगता है और पूरे दुनिया में एक ही बंदे के पास वो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला उन्होंने यू लेके रखा हुआ है उधार पे उसके रॉयल्टी पे करते वो लोग जिस दिन वो फार्मूला वापस ले ना सामने वाले बंदे ने धंधा खत्म मतलब क्या कॉम्प्लिकेटेड है भाई यहाँ पे मतलब पॉइंट इज हमको तो ट्रेन किया गया कॉमर्स में हमको तो ट्रेन किया कॉमर्स में इतने सारे अलग अलग जो धंधे बिजनेस है इसका तो अपने को नॉलेज ही नहीं है ऑडिट कैसे करेंगे सामने वाला हमको बेवकूफ़ बनाएगा वो अमेरिकन डायमंड दिखा देगा और बोलेगा कि ये दस करोड़ का पांच करोड़ का है तो हमको क्या समझ में आएगा लोग तो हमको बेवकूफ बनाएंगे वी गो इन सो वेराइटी ऑफ इंडस्ट्रीज लॉट ऑफ कॉम्प्लिकेशन और हमको तो उसका नॉलेज ही नहीं है तो क्या करेंगे वी डोंट बोला? एक्सपर्ट एक्सपर्ट को साथ में लेकर जाएंगे बिल्कुल आप सही सोच रहे हो कि भाई मेरे को इसका मतलब वी विल हैव टू कोलैबोरेट आप अगर ज्यादा होशियारी कर रहे होंगे पूरा काम मैं करूंगा ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारा नॉलेज आधा अधूरा पड़ जाएगा कम पड़ जाएगा बहुत जगहों पे हमको किसकी मदद लेनी पड़ेगी एक्सपर्ट ऐसा बंदा जिसके पास में स्पेशलाइज नॉलेज हो स्पेशलाइज नॉलेज हो स्किल्स हो इन अ फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट क्योंकि अकाउंट्स ऑडिट के एक्सपर्ट तो हम खुद हैं उसको हम बोलते एक्सपर्ट एग्जाम्पल के तौर पर जेमोलॉजिस्ट इज एक्सपर्ट। ठीक है फार्मा साइंटिस्ट इज़ एक्सपर्ट। सिविल इंजीनियर इज एक्सपर्ट। हमको एक्सपर्ट की मदद लेनी पड़ती है अब सुनिए एक्सपर्ट दो प्रकार के हो सकते हैं। एक मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया किसने अपॉइंट किया मैनेजमेंट ने मैनेजमेंट बोला हमको भी बहुत सारी चीजें नहीं समझती यूजफुल लाइफ कैसे निकाल इस मशीन की किसको लगाया एक्सपर्ट जेम का वैल्यू कितना है किसको लगाया एक्सपर्ट बहुत सी बार एक्सपर्ट को अपॉइंट कौन करता है मैनेजमेंट मैनेजमेंट ने अपॉइंट किया कि तू मुझे डेटा दे जिसके बेस बेसपे एस्टिमेट बनाओ और अकाउंटिंग करूं जिसके बेस पे एस्टिमेट्स बनाऊ और क्या करूं अकाउंटिंग करूं उसको हम क्या बोलते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट और कुछ लोगों को हम अपॉइंट करते हैं अरे कुछ लोगों को हम अपॉइंट करते हैं उसको क्या बोलते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट आइए लिखते बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्रीज होंगी जहां पे हमारा नॉलेज कम पड़ जाएगा एक्सपर्ट मतलब पर्सन हैविंग स्पेशलाइज्ड स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज इन अ फील्ड अदर देन अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट वो हमारे लिए कौन है एक्सपर्ट और एक्सपर्ट तो अपने साथ में सब साथ में तोड़ मालिक अपने साथ है डॉन अपने साथ है कुछ लोग मेरी हैंडराइटिंग देख के बोलते हैं, ये आदमी मेरे को ज्ञान दे रहा था अच्छी बोले <laughs> मैं नहीं बोला बोले ऐसा अरे नॉलेज की स्पेलिंग तो खुद ही आती होगी ना क्या देखना खुद की स्पेलिंग भूल गए बोले आपकी स्पेलिंग क्या बोल रहा है लिखा नहीं है ना सही बात है बिल्कुल सही लॉयर भी आपको लगता है आपको लॉ का पूरा नॉलेज है जीरो yes. पॉइंट जीरो फाइव परसेंट आपका नॉलेज है जितना लॉ का है लॉ इज हेल कॉम्प्लिकेटेड और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट में क्या होता है इसका कोई अंदाजा नहीं है ठीक है अपनी कोई वो फील्ड भी नहीं है अपने को इतना नॉलेज होना चाहिए कि जब वो बकबक बक करे तो अपने को कुछ तो लगे कुछ तो हवा लगे सीधा ऊपर से ना जाए पर्सन हैविंग स्पेशलाइज स्किल्स एंड नॉलेज इन द फील्ड अदर देन अकाउंट्स एंड ऑडिट अब ये जो एक्सपर्ट होते हैं ये दो टाइप के होते हैं ये दो टाइप के होते हैं एक होते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट और आपका एक होता है ऑडिटर्स एक्सपर्ट अब बोले सर इसमें फर्क क्या है फर्क एकदम सिंपल है मैनेजमेंट एक्सपर्ट वो व्यक्ति है अपॉइंटेड अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट अपॉइंटेड बाय मैनेजमेंट और उसका ऑब्जेक्टिव है टू हेल्प टू हेल्प कंपनी मैं कंपनी यूज़ करता हूँ बार बार क्योंकि उससे फील ज़्यादा बेहतर होता है एंटिटी आप लिख सकते हो और बेहतर टू हेल्प कंपनी इन अकाउंटिंग प्रोसेस ताकि वो अकाउंटिंग में मदद करे एस्टिमेट्स बनाने में मदद करे ऑडिटर्स एक्सपर्ट ऑन द अदर हैंड अपॉइंटेड बाय ऑडिटर और उसका काम है टू हेल्प ऑडिटर इन ऑडिट प्रोसेस चेकिंग करने में मदद करे अब एक सिचुएशन ऐसे आती है कंपनी का बहुत बड़ा प्लांट है और वह प्लांट में एक बहुत बड़ा टैंक है बहुत बड़ा टैंक है जिसमें प्रोसेसिंग होती है और उसमें पचास हजार लीटर केमिकल होता है उसकी कैपेसिटी है फिफ्टी थाउजेंड लीटर का केमिकल अब क्लाइंट आपको लेकर जाता है चेंबर में काज के चेंबर से आपको दिख रहा है आपको टैंक पचास हजार लीटर और बोलता है देखो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है इसमें पाइली के पचास केमिकल अलग 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 प्रोसेसिंग सब चलता रहता है ये हमारा एक्सपर्ट है हमारा केमिकल इंजीनियर है हमने केमिकल इंजीनियर को अपॉइंट किया है उसके लेटर हेड पे रिपोर्ट है कि ये जो पचास हज़ार लीटर का केमिकल है इसका डब्ल्यू आई पी का वैल्यूएशन करना पड़ेगा ना बुक्स अरे यस नो। के लिए yes. yes, no. yes, क्लोजिंग स्टॉक लगता है ना अरे यस नो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड तो बोले उसने वैल्यूएशन निकाला है कि बोले इसका वैल्यूएशन है सौ करोड़ रुपए हंड्रेड करोड़ एक्सपर्ट की बाकायदा पूरी रिपोर्ट है पचास पन्नों की कि क्ला कि कितनी कैपेसिटी है कितना भरा हुआ है क्या टेम्परेचर है क्या विस्कोसिटी है क्या कलर है फलाना है ठिकाना है उसके बाद में फॉर्मूला लगे हुए बहुत सारे उसके बाद में मार्केट प्राइस लिया हुआ है कुछ तो भी कॉस्ट निकाला हुआ है हज़ार चीज़ें की हुई है और आखिरी में एक बड़ा सा दिख रहा है कि वैल्यू कितनी है सौ करोड़ और आपको बोला है कि तेरे को एविडेंस चाहिए था ना तेरे को डब्लू का एविडेंस चाहिए था ये ले डब्लूआईबी का एविडेंस मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट मैनेजमेंट एक्सपर्ट की रिपोर्ट आप क्या करोगे आप मतलब व्हाट विल यू डू आप इसको एक्सेप्ट करोगे अरे सौ करोड़ दिख रहा है बुक्स में भी सौ करोड़ है इट गिव्स ट्रू एंड फेयर व्यू या फिर बोले मेरा बंदा आएगा मेरा बंदा आएगा ऑडिटर्स एक्सपर्ट आएगा तो मैडम बोल रहे कि ऑडिटर का एक्सपर्ट आएगा और वो चेक करेगा मैनेजमेंट एक्सपर्ट का, का काम कि उसने बराबर काम किया कि नहीं किया है बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं ये और कुछ ऑप्शन और बताइए और कुछ हो सकता है आना जरूरी नहीं है बोले क्या सेंड कर दो अच्छा वो बोल रहे हैं ठीक है, है क्यों आते हो पैसे लगते हैं आने जाने के जब ही होके तुम हमारे ठीक है, है सीधा तुमको मेल मार देंगे सीधा मेल कर लेंगे चेक कर लेना और बता देना कि रिपोर्ट बराबर है कि नहीं है और क्रॉस वेरीफाई हो जाएगा वो इंडिपेंडेंट ना हो ऐसा बोलो डिपेंडेंट हो ऐसा बोलो इंडिपेंडेंट ना हो ओके हाँ। मैनेजमेंट okay. के एक्सपर्ट को चेक करेंगे तू पढ़ा लिखा है कि नहीं, नहीं तेरे कोई ज्ञान विजान है कि नहीं कि तूने पोपट को बैठाया था उससे तूने वैल्यूएशन निकाला उसको चेक करेंगे ओके okay. उस उस एक्सपर्ट का इंटरेस्ट मतलब वो मैनेजमेंट से कितना जुड़ा हुआ है ऐसा उसका इंटरेस्ट क्या है कंपनी में कितना जुड़ा हुआ है कंपनी के साथ इंटरेस्ट मतलब बेनिफिट होता है यस yes. बोलना भाई हाँ एक्सपर्ट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेंगे तू लिख के वही तो दिया उसने उसकी रिपोर्ट है ना अच्छा तू बता ये ट्रू एंड फेयर है कि नहीं ऐसा और लिख कर दे उससे और लिख के ले लेंगे तू कंफर्म कर सब बराबर है कि नहीं है ठीक है एक्सपर्ट के एक्सपर्ट की पास रिपोर्ट देखेंगे पिछले बार ये बका था वैसा था कि नहीं था ओके okay. अपने एक्सपर्ट को एक बार लेके आएंगे ठीक है तू देख ले भाई एक बार मेरे से मेरे को तो पल्ले कुछ पढ़ नहीं रहे ओके okay. चलिए हाँ कब से काम कर रहा है कितना जुड़ा हुआ है कितना जुड़ा हुआ है तेरा पता चला अब एमडी का साला है या साली है एज द केस में भी लेडीज भी हो सकती है तुम सिर्फ लड़कों को भी इमेजिन कर रहे हो बोले ऐसा मैनेजमेंट टैंपरिंग कर सकता है रिपोर्ट का सैंपलिंग करो मतलब दस पचास पेज होंगे तो बीच में चार पांच पेज पढ़ डालो ओके <laughs> okay, ध्यान देंगे नाउ लिसन गाइस हमने हमारे एक्सपर्ट को बोला वो बोला ठीक है मैं चेक कर दूंगा पांच लाख रुपए लगेंगे हमारी फीस है तीस लाख रुपए एक्सपर्ट बोलता कितने चाहिए पांच लाख दोगे क्या हट बोले <laughs> एक तो तीस मिल रहे उसमें से भी पांच देर को दे दू मेरे को खर्चे भी निकालने हैं सब जब भी बच्चों को पूछो ना एक्सपर्ट लगाओ एक्सपर्ट लगाओ अपने घर का एक्सपर्ट है फोकट में बैठा हुआ है हाँ फोकट में बैठा हुआ है तुम बुलाओगे वो चेक करके जाएगा बस इट कम्स विथ कॉस्ट अरे खुद का एक्सपर्ट लगाना इट कम्स विथ कॉस्ट और मैनेजमेंट हर बार कॉस्ट बेयर करेगा जरूरी नहीं है वो भाई तेरा ऑडिट है तू संभाल और तू कर तेरे को इतनी फीस मिल रही है इसमें तू नहा धो जो करना है कर लेकिन अलग से कोई पैसा मिलने वाला नहीं है हमारा इतना बजट है हमारे हर डिपार्टमेंट में कॉस्ट कटिंग चल रही और तेरे को एक्सपर्ट चाहिए पांच लाख रुपए वाला नौ लिशन गाइज आप लोग लेकिन सही भी थे फर्स्ट थिंग आप मैनेजमेंट की एक्सपर्ट की जो रिपोर्ट है उसको स्टडी करो एनालाइज करो कि वो रिलायबल है कि नहीं है आप उसको स्टडी करो एनालाइज करो कि उसकी रिपोर्ट रिलायबल है कि नहीं अगर रिलायबल होगी बहुत अच्छी रिपोर्ट होगी अगर आपको पता चला अरे सामने वाला बंदा इतना पढ़ा लिखा नॉलेजेबल है भाई यूएस की दो डिग्री है कनाडा की एक डिग्री है इंडिया की पांच डिग्री है क्या तो क्वालिफिकेशन है क्या क्वालिफिक <laughs> गाली मत दो ऐसा मत कर ठीक <laughs> है तो बोले क्या तो क्वालिफिकेशन है एक्सपीरियंस बीस साल का है मार्केट में क्या रेपुटेशन है वो बंदे की रिपोर्ट है इसने सिस्टमैटिकली तीन महीने कंपनी में काम किया हर चीज को स्टडी किया फॉर्मूला सेट किया है पूरा प्रोसेस दिया हुआ है और उसने कैलकुलेशन करके हमको बताया सब प्रूफ कर रहा है दिल खुश हो गया उसकी रिपोर्ट देखकर स्मार्ट बनो ना यार खर्चा क्यों करने का है अगर तुमको मैनेजमेंट का एक्सपर्ट अच्छा लग रहा है पैसा कौन दे रहा है मैनेजमेंट तुम सबसे पहले खर्चा करने क्यों सोचते बिना खर्चे के काम होता होगा वो सोचो ना, है, वो भी तो कर ना तो तो अरे झोल तो, तो कोई भी कर सकता है लेकिन हर आदमी चोर है ऐसा नहीं सोचते ना हम अरे वो हम आंख पे पट्टी बांध के थोड़ी भरोसा कर रहे हैं उस पर दस चीजें चेक कर रहे हैं फिर भरोसा कर रहे हैं मार्केट में उसका नाम है रेपुटेशन है वहीं पे सीखने को मिलता है बोले खुद को तो कुछ पता ही था पहले वही पे सीखने को गाइस एक ऑप्शन ये है कि आप मैनेजमेंट की रिपोर्ट को अच्छे से चेक करो एक्सपर्ट की रिपोर्ट को उस पर भरोसा करो आपको ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट का बंदा सही नहीं है देन और अमाउंट बहुत बड़ा है लेने के देने पड़ सकते हैं पूरा ऑडिट उड़ सकता है तो फिर आप सोच सकते हो कि अपना एक्सपर्ट होना चाहिए अब ध्यान दीजिए अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट इफ यू वॉन्ट टू डील विथ अगर आप डील करना चाहते हैं मैनेजमेंट एक्सपर्ट तो इसका प्रोसेस इसका प्रोसेस इज इस गिवन इसका प्रोसेस इज इस गिवन इन एसे फाइव हंड्रेड अगर आप डील करना चाहते हो मैनेजमेंट एक्सपर्ट से तो उसका प्रोसेस कहां दिया हुआ है एसे फाइव हंड्रेड अगर आप डील करना चाहते हैं अपना खुद का बंदा लाना चाहते हैं ऑडिटर्स एक्सपर्ट तो इसका प्रोसेस इज इस गिवन इन एसे सिक्स ट्वेंटी इन एसे सिक्स ट्वेंटी जो आपके कोर्स में नहीं है कितना सुकून है कितना आसान है देखो ऑडिट में वॉल्यूम बढ़ते आएंगे चिंता मत करो कितना भी अच्छे से पढ़ लोगे, कितना भी बढ़िया मज़ा ले लोगे, धुंधला हो जाता है अपना सहारा अपने ऑडियो है जब जब सुनते जाएंगे रिकॉल होते जाएंगे जब तक आपको ऑडियो सुन के रिकॉल हो रहा है आपको भूलने का टेंशन नहीं लेना चाहिए बेवकूफी है मर मर के पढ़ो समझो याद रखो और खुद पे प्रेशर डालो कि हम भूल गए भूलना इज ह्यूमन ठीक है आज मैं किसी को उठा के पूछना शुरू करूंगा अभी तुमने डीटी पढ़ा था तो पढ़ जाएंगे सबके लोग ये हमने लॉ कुछ कुछ को पढ़ा था पढ़ जाएंगे इट्स एब्सोल्युटली फाइन जब तक आपको ऑडियो वीडियो सुन के आप रिकलेक्ट कर पा रहे हो आपको डरने की जरूरत नहीं है क्विकली मैनेजमेंट एक्सपर्ट से डील करना है कहां दिया है अरे कहां दिया है एसएफ 500 अपना बंदा लाएंगे एसएच 620 एमसीक्यू में पूछेंगे अब अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ऐसे 500 में तीन स्टेप्स दिए हुए कि अगर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट के रिपोर्ट को स्टडी करना है तो तीन स्टेप्स दिए सबसे गधागिरी करते हैं लोग मार्केट में ऐसे आने के पहले तो आपको पता है ऐसे कब आए 2008 में मैं सीए कब बना 2007 में <laughs> मैंने नहीं लाया भाई इतनी गालियां नहीं खानी थी मेरे को इंटरनेशनली ऐसे बने मैं बोलना चाहता हूं कि ऐसे के पहले लोग क्या गधागिरी करते थे सीधा एक्सपर्ट की रिपोर्ट में आते थे अमाउंट देखते थे कहां पे सो करोड़ बुक्स में सो करोड़ मैच ऑडिट खत्म लोग इसको पुअर क्वालिटी ऑडिट है इट इज अ पुअर क्वालिटी ऑडिट आप अगर होते तो मुझे बताओ इस सिचुएशन में कैसे एक्सपर्ट का काम चेक करते तीन स्टेप्स दिए आप थोड़ा सोच के बताओ एक्सपर्ट का काम आप कैसे चेक करते मैं सब कुछ बोल चुका गया गया गया। मार के देखेंगे जो एक्सपर्ट ने काम किया मैं करके देख लेता हूं गया गया गया। इतना नॉलेज होता तो मैडम कैलकुलेन कैलकुलेशन कैलकुलेशन मल्टीप्लीकेशन बराबर किया क्या एडिशन बराबर किया क्या टोटलिंग फोटलिंग ओके जितना समझता है उतना नाचूंगा मैं एक्सपर्ट का क्वालिफिकेशन देखिए कितना पढ़ा लिखा है नॉलेजेबल है खुद भी थोड़ा रिसर्च करके देखो खुद का कोई फॉर्मूला होगा कोई सॉफ्टवेयर होगा वहां पे, भले ही डीप नॉलेज नहीं है लेकिन इतना नॉलेज होना कि कोई क्यूट नहीं बना सके बराबर हाँ इंटरनेट पे जो इंफॉर्मेशन है वो देखो जाओ YouTube पे देखो कैसे हो रहा हंस क्या रहे भाई इसमें YouTube पे होता है ना बहुत कुछ मैं तो सब काम की चीजें देखता हूं भाई तुम मेरे को ही लगता तुम काम की चीजें देखते तुम्हारा काम अलग लग रहा है हा? एक्सपर्ट से पूछेंगे तूने कौन सा फॉर्मूला यूज किया कौन सी अप्रोच यूज की कौन सी थेरी यूज की पास्ट में देखेंगे कि पास्ट में उसने ऐसी ऐसी रिपोर्ट दी थी वैसा हुआ था कि नहीं हुआ था ट्रैक रिकॉर्ड प्रीवियस एक्सपीरियंस देखेंगे उसने जो एविडेंस ला तेरी फाइलें का है ला तेरी फाइलें ला तेरी रिपोर्ट ला पढ़ना चाहता हूं फाइल में घुसना चाहता हूं देखना चाहता हूं फाइलों में क्या लिखा है अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो तो नहीं लिखा हुआ है ठीक है कि डोरेमोन शिंगचैंग रखे वहां पे हाँ सर बोल रहे कि हम स्विमिंग करके आएंगे टैंक में <laughs> उतरो टैंक में बोले <laughs> सौ करोड़ कोई मजाक है <laughs> हमको एक्सप्लेन करो चल तेरा प्रेजेंटेशन शुरू कर यू एक्सप्लेन इट टू मी कि तूने काम कैसे किया है होता ही है मेरे साथ मैंने देखा हुआ है हमको एक्सप्लेन करने के लिए एक्सपर्ट आया था एक्सपर्ट ट्रस्ट वर्दी है कि नहीं है एक्सपर्ट डिस्कशन करेंगे हा कितने साल से कंपनी में काम करो देखेंगे फीस कितनी है चीप आदमी है कि रेपुटेशन कैसे ज्यादा फीस है मतलब पैसा देकर खरीदा है वेरी गुड पॉइंट चलिए बस बहुत होगी भावना मैं लिखता हूं आ जाइए ध्यान देंगे ऐसे 500 तीन स्टेप्स बताता है तीन स्टेप्स बताता है जो आपको परफॉर्म करनी पड़ेगी ऑनलाइन वाले जम के लिख रहे हैं मिथोलॉजी पे भी आ गए पता नहीं राम Ram, रामायण पे कहा से आ गए बीच में कंपेयर करेंगे उसकी कैपेबिलिटी देखेंगे ऑडिटर के एक्सपर्ट से उसको चेक करवाएंगे रेमुनरेशन वेरी गुड स्टेप नंबर वन स्टेप नंबर वन हम लोग तीन चीजें देखते हैं सी सी ओ कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी सीसीओ कॉम्पिटेंस मतलब देखो मेरे दिमाग में एक फ्लो बना है कॉम्पिटेंस मतलब बंदे ने बंदे क्वालिफिकेशन क्या है क्वालिफिकेशन के बाद में उसकी दुनिया में ट्रेनिंग क्या है ट्रेनिंग के बाद में उसका एक्सपीरियंस क्या है मार्केट रेप्युटेशन क्या है दट इज कॉम्पिटेंस कोई भी बंदा पहले पढ़ता है तो क्या आता है क्वालिफिकेशन फिर क्या लेता है ट्रेनिंग फिर उसका क्या होता है एक्सपीरियंस उससे मार्केट में क्या बनता है रेप्यूटेशन मैं जितनी चीज़ें बोलता हूँ एक फ्लो में होती हूँ ऑनेस्टली बता रहा हूँ आई एम नॉट द पर्सन हु इज़ गिफ्टेड विथ अ वेरी गुड मेमोरी करेक्ट एंड आई थिंक वो मेरा प्लस पॉइंट है मैं देखता हूँ मेरे को याद रह रहा है क्या तो मेरे बच्चों को तो याद रहेंगे ही फिर और हमेशा आपको मेरे बोलने में कुछ ना कुछ फ़्लो मिलेगा एक लॉजिक मिलेगा ठीक है कॉम्पिटेंस तो मैं चाहता हूं कि आप उसको कैच करें जितना आप उसको कैच करेंगे आपका आपका याद रखना उतना स्ट्रांग हो जाएगा ना लिसन गाइस कॉम्पिटेंस के बाद कैपेबिलिटी क्या बोला कैपेबिलिटी कैपेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिलीवर होगा तो बहुत बड़ा आदमी लेकिन तेरे पास टाइम नहीं है क्या काम का मेरे टीम नहीं है क्या काम का मेरे इक्विपमेंट नहीं है तेरे पास में क्या काम का कैपेबिलिटी मतलब एबिलिटी टू डिलीवर टाइम टीम इक्विपमेंट अरे क्या बोला टाइम टीम इक्विपमेंट ठीक है अब ये वर्ड है ऑब्जेक्टिव आप बताओ चलो बताओ ऑब्जेक्टिव मतलब क्या ऑब्जेक्टिव मतलब क्या क्या इरादा था तेरा काम करने का इरादा था कि नहीं था कि टाइम पास करने के लिए तू आया था क्या बोल बोल हाँ देखो ऑब्जेक्टिव ये वर्ड पहले भी आया था इसका एक अलग लेकिन तब मैंने नहीं खींचा था लेकिन अब खींचना जरूरी ऑब्जेक्टिव यस एम क्या है तेरा एम क्या था टारगेट क्या था गोल क्या था ऐसा अच्छा मुझे बताओ एमसीक्यू को ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन क्यों बोलते है?

उद्देश्य ऑनलाइन आता है ऑब्जेक्टिव मतलब क्या मोटो गोल इंटेंट उद्देश्य क्या था मकसद जिंदगी एक जंग है बोल रहे पगला गए लोग यहां पे घंटों पढ़ पड़ गए कंपनी ने क्यों अपॉइंट किया उसका ऑब्जेक्टिव मतलब मैडम बोले कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है ये एक्सपर्ट का ऑब्जेक्टिव छोड़े वाले कंपनी का ऑब्जेक्टिव ये इतने प्यारे बच्चे क्या आंसर लिखते हैं मैं कसम से मेरे को दया आती चेक करने वाले वो थोड़ी देर बाद भूल जाता होगा असली कॉन्सेप्ट क्या है <laughs> तो, असली कांसेप्ट क्या है वेरी गुड दिल पे मतलब मैडम मैं तो ऐसे गुले उठा उसका ऑब्जेक्ट क्या था अपने पैसे जेब में भरना था कि सही में सच बात करें ऐसा चलो मैं आपको बता दूं। इंग्लिश इज अ नहीं अब मैं बस गया। मैं भूल जाऊंगा तो ना इज वेरी very... क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो हम डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज नाउ लेट आधे से ज्यादा प्रॉब्लम है बिकॉज ऑफ लिसन दिस वर्ड हैज टू मीनिंग्स इसके दो मतलब है जैसे आप हर चीज के दो मतलब निकालते हो इसके भी दो मतलब है सुनो और यही हमारे ये हमारा पूरा इसलिए कट टू कट नहीं चल सकते सिचुएशन को देखकर इंटरप्रिटेशन निकालना पड़ता है ऑब्जेक्टिव का एक मतलब बिल्कुल आप लोगों ने सही बोला एम गोल टारगेट लेकिन यहां पे उसका वो मतलब नहीं है ऑब्जेक्टिव वर्ड का और एक मतलब आता है बीइंग ऑब्जेक्टिव मतलब बीइंग अनबायस्ड एमसीक्यू को ऑब्जेक्टिव बोला जाता है कोई भी पेपर चेक करे मशीन हो या इंडिविजुअल हो अनबायस्ड मार्किंग होगी चेक करने वाले का पर्सनल बायस आता नहीं है अगर ऑप्शन ए सही है तो मशीन चेक करे या पर्सन ए चेक करे या बी चेक करे सब आंसर देंगे सब मार्क्स देंगे इस पे ऑप्शन ए पे चेक करने वाले का पर्सनल बायस पर्सनल सोच पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग, पर्सनल एक्सपीरियंसेस आते नहीं है Guys, हमारा बर्थ अलग अलग जगह पे हुआ हमारी अपब्रिंगिंग के प्रिंसिपल्स अलग अलग थे हमारे एक्सपीरियंसेस अलग अलग थे हर आदमी की सोच अलग है जब आपकी पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग नहीं आती है आप उसको बोलते बीइंग अनबायस्ड बीइंग अनबायस्ड नाउ लिसन केयरफुली मैं आपको इसको एग्जाम्पल बताऊंगा यहां पर उसका मतलब बींग अनबायस्ड इसका एग्जैक्टली अपोजिट था ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव विच चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन आप जो आंसर लिखते हो डिस्क्राइब करते हो उसको क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव कितना भी कुछ भी कर लो ह्यूमन बींग्स है चेक करने वाले का पर्सनल बायस आ ही जाता है फॉर एग्जाम्पल अगर जो बंदा चेक कर रहा है उसका नॉलेज इतना खास नहीं है उसको खुद को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे, आपका आंसर पढ़ के उसको समझा ऐसा रहता है तो वो आपके एक साधारण आंसर को भी बहुत मार्क दे देगा और आपके पहले इतने गधे आंसर्स थे इतने गधे आंसर्स थे बोले ऑब्वियस ह्यूमन बिहेवियर है आपको पांच मार्क ज़्यादा मिल सकते हैं उल्टा हुआ वो ठहरा कहीं कहे कही कि बहुत ही बहुत बड़ा ज्ञानी महाज्ञानी ये भी नहीं आता <laughs> वो भी नहीं आता उसने पहले बहुत अच्छे अच्छे आंसर पढ़े और ऊपर से दिमाग खराब है ये साले खाट खाट आपके माँग कम भी हो सकते हैं लेकिन इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता कभी उसके ऊपर कभी जाने का नहीं क्योंकि भैया जो टॉप स्कोर करते हो तो करते ही ना ऐसे कैसे कर लेते फिर आप उसके मोह चलो मैं मानता हूँ ओवरऑल पूरे इसमें आपके 10 से 15 नंबर का फर्क पड़ जाता है कि आपके पेपर की चेकिंग कैसे हुई थी लेकिन उससे आपकी हमेशा इसलिए आपकी प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि आप उससे ज्यादा एक्स्ट्रा मार्क्स लेकर आए इसलिए आपके जो आंसर है उसको सब्जेक्टिव बोलते बिकॉज चेकिंग हमको यह देखना है कि यह बंदा अनबायस्ड है क्या अगर इसके कंपनी के साथ में स्ट्रांग रिलेशन है अगर इसके पर्सनल रिलेशन है कंपनी के साथ एम का साला या साली एज द केस मे बी अगर ये कंपनी का शेयर होल्डर बैठा हुआ है अगर ये ऐसा बंदा है कि इससे कंपनी से इसको भर भर के बोनस मिलते हैं ये सिर्फ इसी कंपनी के साथ में काम करता है तो हमको ऐसा लगेगा भैया ये तो बिका हुआ बंदा है तो कटपुतली है इसको बोलेंगे नाच तो ये नाचेगा उठ तो उठेगा बैठ तो बैठेगा इसकी रिपोर्ट से विश्वास उतर जाएगा पहली बार जब इसने रिपोर्ट दिया था तो वैल्यूएशन इसका साठ करोड़ था एमडी का मेल गया फिर से देख बोले अचानक फिर सौ करोड़ आ गया क्या देखा इसने फिर से और ऐसा क्या देखा कि साठ करोड़ का सौ करोड़ हो गया मतलब ये बंदा बिका हुआ है यह बंदा बायस्ड है ऑब्जेक्टिव वर्ड का यहां पे मतलब है बींग ठीक है बात समझ रहे क्या आप यस yes, नो no? ओके okay. अब यहाँ पे ठीक है इतनी गहराई में जाते हैं। फिर जब आएंगे तो और देखेंगे इसलिए जितने रिलेशंस कम होंगे उतना अनबायस होने के चांसेस ज्यादा होंगे इसलिए आप देखो आपने बचपन में टेंथ और ट्वेल्थ में प्रैक्टिकल्स होते थे बाहर से एक्सटर्नल आता था बाहर से इसलिए उसको बुलाते थे कि वो कैसा रहेगा अनबायस अब मैं आपको बता दूं ये ऑब्जेक्टिव वर्ड पहले भी आया है इसलिए बार बार बोला जाता है कि एविडेंस का इवेल्यूएशन

उसको बोलते बींग ऑब्जेक्टिव बींग हमको ये देखना है कि ये बंदा कॉम्पिटेंट है क्या अरे सी सी कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, ओ ऑब्जेक्टिविटी। इसलिए अंधविश्वास मत करो स्टेप से गुजरो सिर्फ ऐसा आखिरी में सौ करोड़ मैच कर लिया और बोल दिया ट्रू एंड फेयर है तो ये सबसे बड़ी बेवकूफी होगी आगे बढ़ो तो स्टेप नंबर टू है आपने बंदे को चुनते वक्त सीसीओ देखा कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी ऑब्जेक्टिविटी अब आपने आपने देखा हाँ भाई बंदा सही है चुना नहीं बंदा तो सही है अब मुझे बंदा तो सही लग रहा है अब मुझे इससे बातचीत करनी पड़ेगी इसकी रिपोर्ट पढ़नी पड़ेगी लेकिन खुद को कुछ तो पालना चाहिए हम ब्लैंक नहीं जा सकते किसी के सामने बहुत बड़ी बेवकूफी होगी कि आपको फील्ड का ए बी सी डी भी समझता नहीं है उसको ऐसी भनक लग गई ना तो इतना गोल घुमाएगा तुमको और मार्केट में लोग बैठे हैं बेवकूफ बनाने के लिए सिर्फ उनको हिंट लगना चाहिए कि तुम बेवकूफ हो फिर जो घुमाएंगे इसलिए कम बोलना जहां पे नॉलेज नहीं है वहां पे कम बोलना नहीं तो पोल खुल जाएंगी ठीक है स्टेप नंबर टू ऑपटेन नॉलेज थोड़ा सा अवेयरनेस ऑप्टेन नॉलेज ऑफ फील्ड ऑफ एक्सपर्ट तुम्हारे फर्म में किसी को ये केमिकल के बारे में पता है उससे पूछ ले एखाधा एक, एक दो दिन का कोई कोर्स है सेमिनार है वो देख ले कोई एक्सपीरियंस बंदा है ऑडिटर इस फील्ड का तो उससे बात कर ले वो थोड़ा तुमको गाइड कर देगा कि देख ऐसे ऐसे सिचुएशन में ये वाला केमिकल बहुत इंपॉर्टेंट रहता है उस पर ध्यान देना टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट मतलब है, है उस पर ध्यान देना विस्कोसिटी मतलब कितना गाढ़ा है विस्कोसिटी कितनी है ध्यान देना विस्कोसिटी कभी सुना जिंदगी में तक तो पढ़े थे ना कि सीधा कॉमर्स में आ गए ठीक है तो ऑप्टेन फिर उसके बाद में स्टेप नंबर थ्री अब मुद्दे की स्टेप है इवेल्युएट वर्क ऑफ एक्सपर्ट Evaluate work of expert. इसमें उसकी जो फाइल होती है एविडेंस की उसने काम किया होगा कैलकुलेशंस किए होंगे कई सारे कागजात बने होंगे डॉक्यूमेंट बने होंगे फाइल और उसकी रिपोर्ट पर डालो और मैं आपको बता रहा हूं बहुत सेंसिटिव बातें होती है ऑडिटर को जम के बेवकूफ बनाया जाता है इसमें यूके में जैसे इंडिया में एन है सेम लाइन्स पे यूके में भी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग काउंसिल है 200-200 करोड़ फाइन मारा है केपीएमजी पीडब्ल्यूसी एम जी पी डब्ल्यू सी को क्योंकि नालायकों ने एक्सपर्ट का, का काम बराबर चेक नहीं किया था एक्सपर्ट बैठ के बेवकूफ़ बना रहा था उनको और ये लापरवाह हो गए थे तो तुमने स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग को बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया इसलिए 200-200 करोड़ फाइन लगे उनको और भर भी दिए बहुत कमाते हैं लोग भयंकर एक एक बिग फोर इज हैविंग रेवेन्यू ऑफ फिफ्टी थाउजेंड करोर पचास एक आदमी को नहीं मिलता भाई पचास हजार करोड़ का रेवेन्यू है सालाना उससे भी ज्यादा और बहुत सारे लोगों में बढ़ता है खासकर प्रोफेशनल्स में इसलिए लोग बिग फोर के पीछे पागल है ठीक है क्विकली कितने स्टेप्स होंगे तीन पहले बंदा सही है कि वो समझो सी सी ओ सी फॉर कॉम्पिटेंस सी फॉर कैपेबिलिटी ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी स्टेप नंबर टू ऑप्टेन नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट स्टेप नंबर थ्री इवेल्युएट वर्क ऑफ एक्सपर्ट उसकी फाइल और उसका रिपोर्ट ठीक है बस ये तीन स्टेप्स उन्होंने समझाए. बहुत फेमस क्वेश्चन है बहुत फेमस क्वेश्चन है।, है।, है बार बार पूछा जाता है पहले तो आपको पूछेंगे तीन स्टेप्स क्या या तो ये पूछ लेंगे सिर्फ या तो स्टेप नंबर वन डिटेल में पूछेंगे आइए चार्ट पे आइए स्टेप नंबर वन सामने वाले का कॉम्पिटेंस सामने वाले में नॉलेज और स्किल्स है क्या कैपेबिलिटी टाइम टीम इक्विपमेंट ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी कैसे समझेंगे उसके बारे में कभी कभी आपको बोलते कि भाई थोड़ा बता दो बंदे पे भरोसा करना कि नहीं करना देखिए कॉमन सेंस है आप बोल रहे सबसे पहले देखो एक सीक्वेंस मैंने दिया है कि सबसे पहले उसको क्वालिफिकेशन मिले होंगे जिंदगी में थोड़ा सा ज़्यादा भी लिख सकते हैं कि भाई उसके क्वालिफिकेशन क्या है फिर सामने वाले क्या लिया होगा ट्रेनिंग नहीं लिखा है लिख सकते हो ना यार घबराओ मत ऐसे ट्रेनिंग भी लिख सकते हो भाई उसने ट्रेनिंग क्या लिया बनने के कुछ बनने के बाद में उसने खुद के कोई रिसर्च किया क्या पब्लिश पेपर्स और बुक्स पब्लिश पेपर्स और बुक्स मेरे को पूछा था स्टैंडर्ड चर्टेड म्यूचुअल फंड में तुमने कोई रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश किया क्या पगला रह गया पढ़ा मैंने पब्लिश पब्लिश कुछ नहीं किया स्पेलिंग मिस्टेक है छोड़ दो ठीक है फिर ये पहले डॉक्यूमेंट्स देखो डॉक्यूमेंट्स से आपको देखो याद रखने का तरीका होता है ग्रुपिंग कभी भी ग्रुपिंग मारो कभी आप पूरे पॉइंट्स एक साथ याद करने के लिए मत जाओ अब अब ये तीनों पॉइंट जो है ठीक है पर्सनल एक्सपीरियंस आप क्या पास्ट में इस बंदे के साथ काम कर चुके हो क्या पास में आपको क्या लगा ये पंदा होनार बुद्धिमान शक्तिमान है कि नहीं है है तो आप उस पर विश्वास दिखा सकते हो डिस्कशन नहीं है, आपको बुलाओ पे. करेंगे वो कितना, कितना है कितना उसको बातें समझती है कैसा बंदा है कॉम्पिटेंस कैपेबिलिटी पूछताछ करेंगे उससे डिस्कशन करेंगे वो हो गया ठीक है फिर डिस्कशन विद अदर्स फैमिलियर्स विद एक्सपर्ट भाई मुझे पता है मेरे दोस्त ने इसके साथ काम किया मेरे दोस्त ने इसके साथ काम किया तो मेरे दोस्त से बात कर लेता हूँ मेरे कलीग से बात कर ले तो कैसा बंदा ये कॉमन सेंस है यार ये मेरे दिमाग में दो पॉइंट कैसे याद रहते हैं कि भाई पहले दो पॉइंट डॉक्यूमेंट के है और बाकी के तीन पॉइंट किस पे एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट में क्या देखेंगे उसका क्वालिफिकेशन फिर उसने कोई रिसर्च पेपर पब्लिश बुक बुक लिखी है क्या और तीन बात किसके एक्सपीरियंस या तो खुद का एक्सपीरियंस नहीं होगा तो डिस्कशन मार ले तो या तो किसी और का एक्सपीरियंस टॉक टू समवन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग विद दिस एक्सपर्ट ये कला है थेरी की जिस बंदे ने पांच पॉइंट को दो पॉइंट में ग्रुप मार दिया वो जीत गया मतलब कुछ लोगों को थेरी इतनी आसानी से याद रहती है बिकॉज ग्रुपिंग हमेशा ध्यान यहां पे कोई अरे भाई निमोनिक कितना बनाएगा पागल हो जाओगे निमोनिक इज द लास्ट रिसोर्ट सबसे इनएफिशिएंट तरीका याद रखने का कौन सा निमोनिक अपने पास भी है निमोनिक लेकिन जब मुझे लगता है कि कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है या फिर इसमें कोई फ्लो मिल नहीं रहा है अपन फिर उसमें आखिरी में थकार के निमोनिक डाल देते फिर स्टेप नंबर टू है स्टेप नंबर टू है अंडरस्टैंडिंग द वर्क ऑफ एक्सपर्ट एस्पेक्ट मतलब होता है पार्टस कोई भी टेक्निकल वर्ड आपको ऐसा लगे कोई भी टेक्निकल वर्ड आपको लगे आपको समझ में नहीं आया मुझे पता है धीरे धीरे जैसे जैसे हम और कॉन्सेप्ट कवर करेंगे आपकी क्लैरिटी बनेगी अब कल रिलायबिलिटी का क्वेश्चन था उसमें पहले की तीन चार लाइन कनेक्टेड थी एक्सपर्ट से मेरे को पता है कि पढ़ा के भी कोई मतलब नहीं है जब तक एक्सपर्ट का मतलब समझेंगे नहीं घुसेंगे नहीं वो समझ में आने वाला नहीं है एस्पेक्ट्स ऑफ मैनेजमेंट फील्ड मतलब मैनेजमेंट फील्ड के पार्ट समझो ये कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं ये कोई सॉफ्टवेयर यूज करते हैं करेक्ट ये कौन सा कोई ग्राफ यूज करते कोई वेबसाइट यूज करते एस्पेक्ट समझो मतलब उसके पार्ट समझो पार्ट्स ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट फील्ड किस तरह के अजम्पन किस तरह के मेथड यूज करते वो आपको देखना है ठीक है समझ में आ रहा है क्या भाई अरे यस नो एस फिफ्टीन हो गया क्या हुआ कि नहीं, नहीं हुआ अरे नहीं हुआ, नहीं हुआ? अरे, नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे यार हो जा तो मजा आता ठीक है जैसे फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके लिए खास बंदा होता है फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाना और उसके बेसिस पे आज कैलकुलेशन करना कौन होता है वो बंदा फ्यूचर में क्या होने वाला है उसका अंदाजा लगाना उसके बेसिस पे आज अमाउंट बताना जिसको स्टैटिस्टिक्स का भयंकर नॉलेज होता है स्टैटिस्टिक्स का भयंकर नॉलेज होता है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करता है और उसके बेस पे आज है आज क्या करना चाहिए आपने उसका नाम सुना हुआ है लॉ में आपने नाम सुना हुआ है आपने नाम सुना है प्रोहिबिटेड सर्विसेस में उसको प्रोहिबिटेड सर्विस में आपने नाम सुना है एक्चुरी, एक्चुरी, अरे क्या बोला एक्चुरी, फ्यूचर में क्या होने वाला है इसका अंदाजा कौन लगाता है एक्चुरी, जैसे फॉर एग्जांपल प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी कितना होना चाहिए कौन निकालता है एक्च्यूरी प्रोविजन फॉर पेंशन के आधार कौन निकालता है एक्चुअली इट्स अ वेरी कॉम्प्लीकेड प्रोसेस ए एस फिफ्टीन आप पढ़ोगे बस ओवरव्यू दे रहा हो क्योंकि उससे जोड़ देंगे कनेक्शन हम लोग अगर आपको पता है प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी निकालना है? क्या निकालना है प्रोविज़न फॉर ग्रेचुटी तो आज बैठ के अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि मेरे कंपनी में दस हजार लोग काम कर रहे हैं कितने लोग इसमें से ग्रेचुटी के लिए एलिजिबल होंगे कितने लोग एलिजिबल होंगे फिर ग्रेचुटी कितनी मिलती है बोले तो भाई वन मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड क्या बोला वन मंथ सैलरी एग्जाम्पल ले रहा हूं अरे ये इनकम टैक्स में आया होगा ना वन मंथ सैलरी फॉर ईच ईयर कंप्लीटेड तो मुझे अंदाजा लगाना पड़ता है कितने लोग एलिजिबल होंगे फिर ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है जो एलिजिबल होंगे वो कितने साल मेरे साथ काम करेंगे और वो कितने महीने के लिए मतलब कितने साल काम करेंगे पाँच साल दस साल पंद्रह साल बीस साल फिर ये अंदाज़ा लगाना पड़ता है कि उनकी आखिरी सैलरी क्या होगी लास्ट ड्रॉन सैलरी जो आखिरी सैलरी है उसको क्या बोलते हैं लास्ट ड्रॉन सैलरी अरे समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं अगर मुझे आज प्रोविज़न फॉर ग्रैचुटी निकालना है तो मुझे अंदाज़ा लगाना पड़ेगा कितने लोग एलिजिबल हो फिर मुझे अंदाजा लगाना पड़ता है कि कितने साल का ग्रेचुटी देना पड़ेगा इनको उनकी लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी होगी इसका अंदाज़ा लगाने के बाद उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी पड़ती है ये तो एफएम में पढ़ी रहे अभी बीस साल के बाद के पचास लाख और आज के पचास लाख सेम है क्या नहीं। होंगे तो दे दो दे दो दे दो मैं दूंगा तुमको पचास लाख बाद में आपस। तुम दे दो बोले बोले हम तो फोकड़े यहाँ पे <laughs> घर वालों को बोलते पॉकेट मनी बढ़ाओ थोड़ा सा ना गाइस ये पूरा काम एक्चुअली करता है ये पूरा काम कौन करता है एक्चुअली ना लिसन सभी एक्सपर्ट अगर आपको उसको इवेट स्टेप नंबर थ्री पे आइए अगर आपको उसका काम चेक करना है अगर आपको उसका काम चेक करना है तो आपको देखना पड़ता है डेटा आपको उसका डेटा देखना पड़ता है सपोज ये एक एक्चुरी एक है एक कौन है एक्चुरी उसने प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी निकाल के दिया क्या निकाल के दिया प्रोविजन फॉर ग्रेचुटी ए भाई टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बराबर लिए थे क्या एम्प्लॉयज की उम्र बराबर ली थी क्या उनकी प्रेजेंट सैलरी बराबर ली थी क्या ये मुझे हर एक्सपर्ट को डेटा लगता है डेटा के बिना वो कैलकुलेशन कर नहीं सकता तो देखो डेटा कार डेटा कंप्लीट है क्या डेटा कंप्लीट है क्या डेटा एक्यूरेट है क्या रेलेवेंट है क्या अगर तुम वैल्यूएशन कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर तेईस चौबीस तो डेटा भी किसका होना चाहिए तेईस चौबीस एक कंपनी में अपन गए एक्चुअली की रिपोर्ट मांगी हम मेरे को हमेशा से पता था ये बहुत लेट देते हैं इनके पीछे पड़ना पड़ता है एक्चुअली से वैल्यूएशन करके लाओ यार एक कंपनी में गए रिपोर्ट मिल गई पहले दिन है तुम कौन हो भाई इतनी जल्दी रिपोर्ट दे दी भाई यार तो गजब की कंपनी है फिर दस पंद्रह दिन बाद उसको बोला सैलरी चेक करने आना है बोले साहब पाँच दिन बाद आओ बोले क्यों वो सैलरी वो एम्प्लॉय कुछ रिकॉर्ड्स इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करेंगे अपन उसके बाद आप आना मैं आपको ऑडिट करवा दूंगा अभी अगर डेटा इनकम्प्लीट है तुम एक्चुअली को क्या दिए हो बोले पिछले साल का डेटा ये डे पागल आदमी प्रोविजन 2024 का एंड का डेटा 2023 का पागल हो गया क्या बोले साहब पिछले साल भी ऐसे ही होता था कॉम्पनसेट हो गया ना बोले पिछले साल हमने और पहले की रिपोर्ट ली थी ओ भाई देख बोले तुम्हारे सीनियर भी यही करते थे देख फालतू की बातें मत कर मेरे सीनियर ने क्या किया वो जो वो सब बाजू की बातें मेरे को इतना पता है मेरे मैनेजर को पता चला कि मैंने ऐसी चीज़ को अप्रूव किया है तो जो मेरी बैंड बजेंगी इसकी कोई लिमिट नहीं है तो भाई मैं तो ये रिपोर्ट को रिजेक्ट मार रहा हूँ डेटा तुमने पिछले साल का लिया पागल है ऐसी रिपोर्ट थोड़ी चलेगी तभी मैं बोलूँ इतने जल्दी कहाँ से आ गई रिपोर्ट अरे बहुत बैल लोग हैं मार्केट में बैलों की कमी नहीं है इतने बड़े बड़े बैल भाई और कुछ भी झगड़ते ठीक है कैलकुलेशन करने के लिए डेटा लगता है कंप्लीट एक्यूरेट रेलेवेंट रेलेवेंट मतलब अच्छा अब देखो इंग्लिश इज अ फनी लैंग्वेज ये रेलेवेंट वर्ड आ गया अब कोई बच्चा बहुत ही बहुत जो कॉमन सेंस से नहीं चलता फील से नहीं चलता ना ये रेलेवेंट को जोड़ेगा एविडेंस हो तो कैसा हो सफिशिएंट, अप्रोप्रिएट अप्रोप्रिएट बदले रिलायबल और रेलेवेंट। यहां पर रेलेवेंट का मतलब है इट शुड बी सुटेबल इट शुड बी सुटेबल डेटा ऐसा होना चाहिए जो कैलकुलेशन को सूट करे कैलकुलेशन की डिमांड के हिसाब से हो इट शुड बी सुटेबल जबरदस्ती इधर का उधर जोड़ोगे इसको मैकेनिकल स्टडीज बोलते है. इसलिए जो बच्चे कॉमन सेंस में बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो ऑडिट में स्ट्रांग होते और जो बच्चे बहुत टेक्निकल चलते पत्थर की लकीर ऐसा मतलब ऐसा, वो बारा के भाव में बिकते फिर, ध्यान देंगे अजम्पन लगते हैं, अरे भाई कितने एम्प्लॉज चलेंगे मेरे साथ वो क्या है अजम्पन कितने साल चलेंगे वो क्या है अजम्पन लास्ट ड्रॉन सैलरी क्या होगी वो क्या है अजम्पन बहुत सारे अजम्पन लगते हैं डिस्काउंटिंग रेट सबको समझता है क्या क्या बात तुमको समझता है डिस्काउंटिंग डिस्काउंटिंग इतनी खुशी होती है है मेरे को जब समझता रेट ये भी क्या है? कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट क्या होंगे कैसे होंगे ये भी रेलेवेंट सुटेबल होने चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री का डेटा केमिकल में मत लगाओ सुटेबल नहीं है पागलपंती मत करो सुटेबल होना चाहिए अजम्पन रीजनेबलनेस रीजनेबलनेस मतलब एक्सेप्टेबल भाई प्रैक्टिकल मार्केट से सच सही लग रहा है डिस्काउंटिंग हाँ डिस्काउंटिंग रेट कितना लिया बोले बारह टक्का हाँ मार्केट में इतना ही चल रहा है बारह के आसपास उसको रीजनेबल बोलते हैं मेथड अभी मैंने आपको बताया ना ग्रेचुटी का अरे यस नो पहले अंदाजा लगाना पड़ता है कि मुझे कितना ग्रेचुटी पे करना पड़ेगा फिर उसका क्या निकालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू क्या निकालना पड़ता है प्रेजेंट वैल्यू और फिर उसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बुक करना पड़ता है अगर एम्प्लॉय मेरे साथ दस साल चलेगा तो दस साल में पंद्रह साल चलेगा तो पंद्रह साल में इसको इसको पीयूसी मेथड बोलते गई पानी में प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड कौन से प्रोजेक्ट यूनिट क्रेडिट मेथड जय सर का काम आसान कर दिया मैंने तुम ये पढ़ोगे एएस 15 में लोड मत लो ऑडिट में नहीं कोई पूछेगा लेकिन वही तुम चार्ट अकाउंटेंट बन रहे तुमको गर्व होना चाहिए अब देखा, कोई नया नॉलेज सुनाना तो बच्चे बहुत खुश होते कुछ मैं बनेगा सीए। मेरे को मालूम है मेथड कुछ ऐसे मरे रहते साला ये क्या होता है बे दर्द कम क्यों नहीं हो रहा लाइफ में साला देखो पॉजिटिव एटीट्यूड में रहो चिल रहो कल जाके और मैं बता रहा हूँ एकदम ट्रिक ऑडिट में प्रैक्टिकल लाइफ में जाना अकाउंटेंट रहते हैं बेचारे उनको इम्प्रेस मारना है दो तीन एयर्स वर्ड ऐसे बोल देना जो समझते नहीं उनको पीयूसी मेथर्ड एयर्स अरे बड़ा आदमी है तो इज्जत करने लगता है वो ठीक है अजम्पशंस और मेथड जो भी यूज करो वो रेलिवेंट होने चाहिए इस इंडस्ट्री को इस सर्कमस्टांसेस में रीजनेबल रीजनेबल मतलब यहां पे प्रैक्टिकल होने चाहिए रियलिस्टिक होने चाहिए एक्सेप्टेबल फिर जाके इनकी रिपोर्ट पढ़ो इनके कंक्लूजन पढ़ो रेलिवेंट है क्या वापस रिपोर्ट इनकी काम की है क्या सर मतलब भाई रिपोर्ट के अंदर दुनिया भर की बातें लिखी है कितने एम्प्लॉयज है कितनी सैलरी है ग्रेचुटी का अमाउंट इन लिखा है ग्रेचुटी का कौन सा अमाउंट लिखा है बोले 20 साल के बाद कितना देना पड़ेगा क्या करूँ उसका अरे बैलेंस शीट में कितना दिखाना है वो बता जो काम की चीज है वो तो दी नहीं है मतलब तेरी रिपोर्ट रेलेवेंट नहीं है रीजनेबल प्लस माइनस 5% चलता है एस्टिमेशन है तो है। क्या ही है एस्टिमेशन प्लस माइनस 5% परसेंट इज एक्सेप्टेबल छापते जाने का वहां पे जो प्लस माइनस 5% परसेंट यानी अपने को याद है हाँ भाई इसमें अपने को कोई ठीक है ज्यादा जरूरत नहीं है कंसिस्टेंसी विथ अदर एविडेंस मतलब हमने मैच करके देखा एक सॉफ्टवेयर से भी डेटा निकला था उसके आसपास है वेबसाइट से भी डेटा निकला था उसके आसपास है लेट्स फटाफट फड़। देखो अब इस वर्ड इस कॉन्सेप्ट में ऑब्जेक्टिव वर्ड आ गया लेकिन अब ऑब्जेक्टिव वर्ड पूरे ऑडिट में अपने यहां से कई बार आने वाला है क्योंकि हर बार बोला जाता है चार्ट अकाउंट शुड बी ऑब्जेक्टिव नाउ अनब क्योंकि स्टेप्स थे सब जवाब देंगे कितने स्टेप्स थे तीन स्टेप नंबर वन सी सी ओ सी फॉर कॉम्पिटेंस सी फॉर कैपेबिलिटी ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी जो पॉइंट है दो इसमें बढ़ जाते पहला डॉक्यूमेंट देखो दूसरा एक्सपीरियंस yes. फिर स्टेप नंबर टू क्या था नॉलेज ऑफ द फील्ड ऑफ एक्सपर्ट फिर उसके बाद स्टेप नंबर थ्री क्या था इवेल्युएटिंग वर्क ऑफ द एक्सपर्ट हर बंदे को क्या लगता डेटा डेटा शुड बी कंप्लीट, इट शुड बी एक्यूरेट, इट शुड बी रेलेवेंट। रेलेवेंटम्शन और मेथड्स कैसे होने चाहिए रेलेवेंट एंड रीजनेबल। रिपोर्ट भी कैसे होनी चाहिए रेलेवेंट एंड रीजनेबल और मैच होनी चाहिए कंसिस्टेंट होनी चाहिए बाकी ऑडिट एविडेंस है अगर ऐसा हो गया तो मैं मैनेजमेंट की रिपोर्ट से खुश हूं और मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ और मेरे फाइल में जगह देता हूँ दैट इट इज़ अ गुड क्वालिटी ऑडिट एविडेंस और फुकट में काम हो जाएगा सबसे मुद्दे की बात फुकट में काम हो जाएगा क्योंकि पैसे कौन दे रहा है मैनेजमेंट मैनेजमेंट को अकाउंटिंग करनी थी इसलिए उन्होंने उसको अपॉइंट किया उसके बेस पे अकाउंटिंग की अपना काम हो गया और मैं बता रहा हूँ मैनेजमेंट के एम्प्लॉय से बेटर तो एक्सपर्ट की रिपोर्ट है जिसके ऊपर कंपेरेटिवली हमको भरोसा ज़्यादा है अरे हवा लगी यस नो वेरी गुड चलो कुछ सुना नहीं मैंने आज वैसे मैं एक चीज सोचा था कि एक चेंज करना चाहिए अपन एक बज के पंद्रह मिनट की जगह एक ही बजे ब्रेक कर दो और दो बजे शुरू करो क्योंकि अपने को बाद में का सेशन थोड़ा कम लगता है और ये सेशन थोड़ा खिंच जाता है कि अब ब्रेक दे दे, दे तो इधर को थोड़ा पंद्रह मिनट कम कर देते और उधर पंद्रह मिनट नहीं कम इधर बढ़ा देंगे जो भी है एक से दो सही लग रहा है ना भाई यस नो yes, no? yes, ओके छुट्टी जब चाहिए ना तो अभी से आज से मैं तो बोलता काय को एक बजे तक जाते बारह पचपन ही कर डालो बोले ओके नहीं आज एक पंद्रह तक जाएंगे थोड़ा सा ज्ञान दूंगा और फिर खींचूंगा पंद्रह मिनट और मेरे को और एक समझ में आता है जब भी ब्रेक दू एक घंटा मिलना चाहिए खत्म क्या टॉपिक के हिसाब से नहीं तो जबरदस्ती पे टाइम पास अभी मेरा जोक सुनाने का मन करेगा तो मेरे को दस पंद्रह मिनट पढ़ाने को मिलना चाहिए है ना ओके okay. चलो ज्ञान देता हूँ मैं आपको ठीक है ज्ञान ज्ञान जोक्स तुम सही नहीं पाते वो सर आत्महत्या करने वाला था जोक सुनने का था चलो, तो चलो। नाउ बहुत परम ज्ञान देने वालों में आज कौन सा ज्ञान परम ज्ञान लिसन ध्यान गई आप लोगों ने कोई ना कोई परिवार में कोई ना कोई परिवार में हमेशा डिस्प्यूट होते हुए देखे होंगे आपके मम्मी के साइड पापा के साइड कजिन ये वो यस yes, नो no? यस नो डिस्प्यूट सोना ये बहुत ही कॉमन चीज है नो लिसन मैंने मैंने लोगों को बर्बाद होते हुए देखा है दो तरह के लोग होते हैं. एक जो डिस्प्यूट को सॉल्व करने के लिए जाते मतलब जब आप किसी सामने वाले को समझाने जाते हो सहल करने आते हो तो वो कभी जिंदगी में सुलझता नहीं है और कॉम्प्लिकेट हो जाता और उसमें भी अभी तुम तुम्हारा एकदम अभी तुम उस एज में आयो कि अभी आपको तुमको थोड़ा बहुत समझने लगता है कि परिवार में क्या चल रहा है क्या इशू है क्या मुद्दे है और कुछ लोग जोश में आते घुस जाते वापस ही नहीं आ पाते हो दिस इज नाउ दो तीन उसके अंदर बात है मैंने देखा है कि जो आदमी को ऐसा फील होता है कि मेरे साथ में बहुत बुरा हुआ है गलत हुआ है मेरे को इंसाफ मिलना चाहिए और वो झगड़ता है वो अपनी बातें रखता है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करता है सबसे ज़्यादा सफ़र करता है आई सीन लोगों को लोगों के परिवारों को मैंने देखा है कोर्ट केस चल रही है खेती की ज़मीन है कोर्ट केस चल रही है एक पीढ़ी ख़त्म हो गई उसमें है। दो पीढ़ी ख़त्म हो गई है तीसरी पीढ़ी चल रही है वकील खुश है सब सालों साल से पैसा मिल रहा है और यहाँ पे खाने के लाले और 100 एकड़ ज़मीन है जो इसका बहुत बड़ा अर्थ है कि जो बंदा डिस्प्यूट में घुसा निगेटिव चीज़ में घुसा वो बंदा ख़त्म है और मैंने ऐसे लोगों को देखा है भाई होगा डिस्प्यूट तुम नहीं मान रहे हो सौ एकड़ ज़मीन है कायदे से पचास पचास बनती है तुमको लगता नहीं देना मेरे को पचास कितना देना चाहते हो पच्चीस दे दे खत्म कर पच्चीस ले और ख़त्म कर नहीं देना तेरे को मेरी मेहनत मेरा टाइम मेरा विजन मेरी प्रोडक्टिविटी ये बहुत ज़्यादा है तेरे डिस्प्यूट से भी जो डिस्प्यूट में फंसा है वो दिन रात ये सोचता कि कोर्ट में केस कैसे जीतूँ जो बंदा डिस्प्यूट से बाहर हो गया वो बोलता नया धंधा कैसे शुरू करूँ मैं आगे कैसे बढ़ूँ मैं प्रोग्रेस कैसे करूँ वो बहुत आगे जाता है ही मतलब जो लोग डिस्प्यूट से बाहर हो गए वो क्या 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 बन गए और जो डिस्प्यूट में गए वो घुस गए उनकी जिंदगी खत्म हो गई गाइज ये सिचुएशन आपके पास किसी न किसी रूप में हर बार आएगी प्लीज अंडरस्टैंड यू कैन नॉट कंट्रोल अदर्स एंड यू कैन नॉट कंट्रोल सरकम इंसाफ के पीछे मत भागो तुम्हारी एनर्जी तुम जितना घुसाओगे डिस्प्यूट और निगेटिव चीजों में झगड़ों में सॉल्व करने में जस्टिस पस्टिस जस्टिस सब बेवकूफी है बाहर निकल और प्रोडक्टिविटी की तरफ सोच जो प्रोडक्टिविटी की तरफ सोचा वो बहुत आगे निकल जाएगा इतना आगे निकल जाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे बहुत से लोग जमीन लेके भी कोई उखाड़ नहीं पाते और कुछ लोग जिसमें दम रहता जिसमें हिम्मत रहती बिना किसी चीज़ के बहुत आगे बढ़ जाता सो so, और ये तो एक सिर्फ एग्जाम्पल है ठीक है अब आपके आसपास में वो तुम्हारा हॉस्टल वाले से झगड़ा चल रहा है रूम वाले से झगड़ा चल रहा है ऐसे बहुत सारे केस मेरे पास आते रहते हैं रूम में ऐसा चल रहा है लाइब्रेरी में ऐसा है ना ऐसा ये न, वो। पर है वो जानते हुए वर्ड यूज़ नहीं था ठीक है डैश 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 बीप 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 श्रद्धा अनुसार मैंने अपने प्रोडक्टिविटी पर ध्यान देने का है मेरा भला किस में होगा अपना टाइम एफर्ट उसमें लगाने का है मैं तो बोलता गाली दे साले को गाली देने में जो मजा है वो किसी चीज में भी नहीं है सर क्या क्या सिखा रहे हो तुम तो? ये सच बता रहा पीडब्ल्यू सी में जब बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया एकदम सला पंद्रह दिन हो गए छुट्टी नहीं मिली तो एक दिन फिर रात को नौ बजे पांच मिनट का गाली गलोत सेशन साला जिसको क्लाइंट को गाली देना है मैनेजर को गाली देना है जिसको गाली देना है जो गाली जो फ्रस्ट्रेशन बाहर निकलता है एकदम हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है अगला क्या है गाली दे दो बाहर निकालो थॉट्स को बाहर करो अपन अपने काम पे लगो लिखो ज्ञान लिखो रे भाई मैं ज्ञान बांटता तो उसका रिकॉर्ड भी होना चाहिए ये तो क्या। सर आप भी डिस्प्यूटेड हो जाते हो लिखो इसलिए गर्लफ्रेंड से झगड़ा हुआ ना देख तेरे को जमता है तो ठीक है नहीं जमता है तो ठीक है तू बता दे कि मैं दूसरा सोचू कुछ बराबर लोड नहीं लेने का बहुत ठीक है एज द केस में भी लड़कियां लड़कों के बारे में सोच सकती हूँ ठीक है लिखो आप लिखो इट इज क्रिमिनल वेस्ट ऑफ टाइम comma energy it is criminal waste of time comma energy and vision to focus on Disputes and negative things. Full stop. Don't try to get justice and explain others. जस्ट मूव ऑन एंड डू प्रोडक्टिव वर्क जस्ट मूव ऑन एंड डू प्रोडक्टिव वर्क अब कुछ लोगों को यही समझ में आए जस्ट मूव ऑन हाँ गाली गलोच में लिखा नहीं मैंने खरे मतलब ऊपर ज्ञान और नीचे क्या गाली गलोच ओ oh, ब्रेक नहीं हुआ अभी सुनो ध्यान देंगे आपके ओ भाई ज्ञान सुनाया तो उसका मैं वसूल करके जाऊंगा क्या नहीं हा? मेरी चलती इधर ध्यान देंगे फटाफट ना लिसन गाइज आपके नोट्स में जहां पर भी आपको चार्ट्स नहीं दिखे आप समझ जाना न्यू कोर्स का एडिशन है वो जैसे यहाँ पे देखो कॉन्सेप्ट नंबर 500.162 500.162 आपको हेडिंग्स दिखेंगे हर जगह पे ग्रुपिंग दिखेगी और मैं शॉर्टकट भी बताऊंगा लेकिन आपको चार्ट नहीं दिख रहा है दैट्स फाइन वो मैं बनवा दूंगा अब सुनिए वो पे वापस परम ज्ञान है भाई मैं आपको क्या बताऊँ स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग के बारे में ऐसा कि मैं भी बहुत खुश ऐसा नहीं ऑडिट बहुत प्यारी चीज़ है प्रैक्टिकल चीज़ है बहुत बढ़िया चीज़ है लेकिन ये फिरंगी साल है जिन्होंने स्टैंडर्ड्स बनाए हैं हर चीज़ में घुस जाते हर चीज़ में घुस जाते है। अभी आपको पता क्या सिखा रहे है वो लोग कि भाई जब आप मैनेजमेंट का एक्सपर्ट का काम तुमको दिया जाता है उस पर मेहनत कम करना कि ज़्यादा करना वो कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है हम सोच लेंगे ना हम सोच लेंगे किसको पसंद करना किसको नहीं करना कितना करना और कितना नहीं करना तो वो भी सिखाएगा क्या हमको लेकिन वो वो भी सिखाते एन टी ई -E, एन टी ई -E मतलब नेचर अरे एन मतलब नेचर टी मतलब टाइमिंग ई e मतलब एक्शन नेचर मतलब सुन लो नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर मैं ऑब्जर्वेशन करूंगा कि इंस्पेक्शन करूंगा कि इंक्वायरी करूंगा कि करूंगा कि रिपरफॉर्मेंस करूंगा कि कंपैरिजन कंपैरिजन खेलूंगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन लगाऊंगा वो क्या हो गया नेचर अरे वो क्या हो गया नेचर मंथली बेसिस पे काम करूंगा कि क्वार्टरली बेस पे काम करूंगा कि इयरली बेस पे काम करूंगा वो क्या हो गया टाइमिंग एक्सटेंड बीस का सैंपल चुनूंगा कि पचास का चुनूंगा कि सौ का चुनूंगा वो क्या हो गया एक्सटेंट कि भाई कितनी सारी चीजें चेक करूंगा नेचर टाइमिंग एक्सटेंड अरे लिखा क्या आप लोगों ने एन फॉर नेचर टी फॉर टाइमिंग ई फॉर एक्सटेंड अभी कब मैं मेहनत ज्यादा करूंगा कब नेचर टाइमिंग एक्सटेंड ज्यादा लगाऊंगा और कब नेचर टाइमिंग एक्सटेंड कम लगाऊंगा उन्होंने क्या दे दिया इसके फैक्टर्स अपना मॉड्यूल खोल कर देखो अच्छा बहुत से जगह तो बुक्स में गायब होंगा बोले कोई चेंज ही नहीं है चेंज है अब अपन ने देखो अपने को ऐसे एक साथ पॉइंट पसंद आते नहीं हैं तो अपन ने उसको ग्रुप में बांटा है कुछ पॉइंट है मैटर रिलेटेड जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं वो कितना पेचीदा है कितनी मेहनत डिपेंड करेगी किस पे मैटर कि वो मुद्दा कितना पेचीदा है फिर कुछ पॉइंटेड है एक्सपर्ट रिलेटेड ठीक है उसका शॉर्टकट वर्क बाद में देखते हैं। ओरी का नाम सुना है आजकल आपने आजकल ओरी बहुत चल रहा है सोशल मीडिया पर सेल्फी रहता रहता है सुना है क्या ओरी करके एक बंदा है सभी सेलिब्रिटी के साथ उसके फोटो है बहुत पैसे वाला है वो आई एम आई लिव आई एम अ लीवर उसको लोग बोलते तू काम क्या करता है बोले बोले आई लिव तो आई एम अ लीवर इससे बड़ा क्यूट कौन हो सकता है और कुछ पॉइंट आपके किससे रिलेटेड है ऑडिटर रिलेटेड सुनो देखो मैं आपको और एक बार बता दूं अभी मैं ये पॉइंट मैंने आपको समझा भी दिया समझ भी जाएंगे दो तीन दिन के बाद आप इसको भूल जाओगे और बिल्कुल लोड नहीं लेने का अगर आपको ऑडियो सुन के रिवाइज हो जाता है एग्जाम के अपने को बस इस सिचुएशन में जाना है कि मैं रिवाइज कर लू तो दो दिन तक याद रहे अगले दिन तक याद रहे अगर रहता है और ये बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिकल होते मैंने बहुत सारे टॉप स्कोरर से बात की रैंक होल्डर से बात की बोले हम गधे नहीं है हर चीज का टेंशन नहीं लेते हम लोग यहां पे कुछ जनता रहती सब्जेक्ट भूल गया मेरा कॉन्फिडेंस टूट गया तेरा कॉन्फिडेंस मजा की था ऐसे भी थाई टूटने के लिए तू तो बैठा ही उसको किसके लिए था तोड़ने के लिए यही पे रैंक होल्डर जो स्मार्ट इंदर थी अरे कितना ही बड़ा भूलेगा ना ऑडियो सुनूंगा मेरे को याद आ जाएगा देख के जाऊंगा एक दो दिन पहले बस तब मेरे को उतारने का है उतार दूंगा इतना मेरे कॉन्फिडेंस है खुश है बंदा मस्त मौला चल रहा है मतलब वो मेहनत कम कर रहा है ज्यादा खुश है और पेपर अच्छा लिख रहा है हमारी भोली भावली जनता यहाँ पे दिन रात मेहनत कर रही है खुद को गाली मार रही है खुद को अंदर एस्टिमेट कर रही है और जाके वहां पे जाके टाए टाए फिश प्लीज वो कैटेगरी में मत जाओ बी इन द स्मार्ट कैटेगरी नाउ लिसन अभी मैंने क्या किया है मैंने ग्रुपिंग कर दी भाई आपके मॉड्यूल में तो लाइन से पॉइंट दिए थे सारे के सारे मैंने ग्रुप कर दिया कि कुछ पॉइंट मैटर रिलेटेड है कि मुद्दा क्या है कुछ पॉइंट एक्सपर्ट रिलेटेड है कि एक्सपर्ट कैसा है कुछ पॉइंट ऑडिटर रिलेटेड है कि ऑडिटर कैसा है ग्रुपिंग कर दिया तो ऐसे थोड़ा टेंशन कम अब मैं आपको और एक गुरु मंत्र देता हूं ऐसे फैक्टर्स पचासों जगह आने वाले ऑडिट में कुछ कॉमन पॉइंट हर जगह पे आते अंडरस्टैंड नेचर ऑफ द आइटम हर जगह पे नेचर लेकर रोते रहते इज इट कॉम्प्लिकेटेड इज इट इन्वॉल्विंग जजमेंट तो क्या इसमें नेचर हर जगह कॉमन है फिर लुक एट द मटेरियलिटी कितना मटेरियल है वो हर जगह आता क्या मटेरियलिटी लुक एट द रिस्क गलती होने के चांसेस कितने रिस्क हर जगह पे आता हाउ आर द कंट्रोल्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कितने स्ट्रांग है ये चार चीजें तुमको हर जगह आती मतलब तुमको कुछ नहीं आता कुछ ने फैक्टर पूछ लिया ये छाप देने के मैं आपको बता दू इसके दो मार्क मिल जाएंगे अगर तुम इंटेलिजेंट हो और तुम बराबर उस कॉन्सेप्ट से जोड़ दोगे नेचर को नेचर मटरिटी रिस्क कंट्रोल एनएमआरसी एनएमआरसी किस का फुल फॉर्म है क्या छोड़ो ना नहीं, नहीं होगा हमारा जो अब जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं ना वो ऐसे कॉमन पॉइंट्स को ढूंढते रहते और फिर जय माता दी बोलते रहते उसमें एक एक नया जोड़ते रहते हैं कुछ लोग ऐसी लिस्ट बना लेते दस फैक्टर की हर जगह छाप देते कुछ नहीं आया जय माता दी शुरू हो जाए ये है सबसे होशियार लॉन्डे ये है स्टार्टअप कैटेगरी ये है स्टार्टअप कैटेगरी जो फोड़ देते अरे एन स्टैंड फॉर नेचर एम स्टैंड फॉर मटेरियलिटी देन आर स्टैंड फॉर रिस्क रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट उसी को हम बोलते हैं आर एम एम बड़ी गलती होने के चांसेस का दिस इज सुपर इंटेलिजेंस इसीलिए सब्जेक्ट को समझना हर सब्जेक्ट को पढ़ने का तरीका अलग है ऑडिट में तो आपको बता रहा हूं जब पहला ऐसे खत्म होगा पहले दो तीन ऐसे आप बोलेंगे साला फर्क क्या है ये सिर्फ हल्का सा फ्लेवर चेंज होता है हल्का सा फ्लेवर चेंज होता है इसलिए फिर बच्चों को बात भी लिखा दी सर तुम हमको बहुत ही क्यूट बना रहे क्योंकि तू घूम फिर के इस पे आ जाते हो एन एम आर सी मेरे को गाय को दोष दे रहे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा हो जाता है तुमको फील दे रहा हो सब कुछ दे रहा हूँ उन्होंने वो छापा है मैं उसको बदल सकता क्या आई कैन नॉट चेंज दैट कुछ बच्चे इसको समझ जाते हैं और वो खुश रहते हैं और कुछ बच्चे इसको समझ के दुखी हो जाते अपन ने क्या रहने का? खुश ध्यान दो। देखो अपन ने अपने बेटे का नाम रखा है खुश खुश <laughs> अरे बेचारा बोलता है खुद को खुश होना था <laughs> मेरा नाम रख दिया बोले ना no? ध्यान <laughs> देंगे लेसन ओके okay. लिसन मैटर रिलेटेड तीन बातें सुनो जब मैनेजमेंट की रिपोर्ट मेरे सामने आएगी मैनेजमेंट का काम मुझे चेक करना है मैंने कितनी मेहनत करनी चाहिए डिपेंड करता है ये फैक्टर्स पे नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंड ऑफ ऑडिट प्रोसेस डिपेंड करता है किस पे फैक्टर्स पे सुनो अगर चीजें बहुत पॉजिटिव रही ना तो मैं उसकी फाइल की एक नजर घुमा के रिपोर्ट पढ़ के दो घंटे में भी काम खत्म कर सकता हूं और लगने के लिए मैं दो हफ्ते भी लगा सकता हूँ तो वो आपको बता रहा है कि दो घंटे में कब काम निपटाना है और दो हफ्ते कब लगाने हैं ये बातों पे डिपेंड करता है और इट इज़ अ आर्ट प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज़ अ मैटर ऑफ जजमेंट ना लिसन नेचर ऑफ मैटर कॉमन सेंस है अगर कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी नेचर में बहुत नई चीज़ है यार ये बहुत ही नई चीज़ है ये मार्केट में भाई ये लोग न्यूक्लियर व्यूक्लियर कुछ यूज कर रहे हैं भाई ये लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कर रहे हैं ये तो मेरे को भाई बहुत नई चीज़ है ये नया नॉलेज है ये सुनने को नहीं मिलता है इट्स टोटली अ न्यू थिंग तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा है तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी रिस्क बहुत ज़्यादा है तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एविडेंस नहीं है भाई एक्सपर्ट ही एक चाह रहा है ना इसके लिए कोई सॉफ्टवेयर है ना इसके लिए कोई वेबसाइट है ना इसके लिए कोई पुराना डॉक्यूमेंट है ना किसी को अकले है तो मेहनत ज्यादा एन ए आर एन फॉर नेचर इट्स अ न्यू थिंग इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग मेहनत ज्यादा आर सैंड फॉर रेस रेस ज्यादा तो मेहनत ज्यादा ए सैंड फॉर अल्टरनेटिव ऑडिट एविडेंस नहीं है तो मेहनत ज्यादा मैं पूरी तरीके से डिपेंडेंट हू किसके ऊपर मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे एक्सपर्ट नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट भाई ये जो एक्सपर्ट है सपोज इसका काम था ग्रेचुटी क्या काम था ग्रेचुटी इसने पूरे कंपनी के एम्प्लॉयज की, की ग्रेचुटी कवर की है क्या किसी बॉम्बे का हेडक्वार्टर कवर किया इज इट कवरिंग एवरीथिंग स्कोप मतलब होता है कवरेज स्कोप मतलब कवरेज भाई ये बंदा इनडेप्थ गया क्या इसने सारी चीज़ को कवर किया क्या अगर इसने सब अच्छे से कवर किया है तो हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी अगर देखो क्या लिखा है द नेचर स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैनेजमेंट एक्सपर्ट वर्क इसने अपना काम कितना सोच समझ के किया है इसने सारी चीज़ें कवर की कि नहीं की सारी प्रोसीजर लगाई कि नहीं लगाई अगर इसने काम बराबर नहीं किया है तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी एम्प्लॉयमेंट देखो उसका शॉर्टकट भी लिखा है ORI, celebrity, बाद में आएंगे उस पे. Experts employment, management आप मुझे थोड़ा सोच के बताओ किस पे विश्वास ज्यादा करोगे अगर वो कंपनी का एम्प्लॉय है तो ज्यादा विश्वास करोगे कि अगर बाहर से उसको हायर किया तो उस पर ज्यादा विश्वास करेंगे हायर किया तो अगर एम्प्लॉय तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसका काम चेक करने के लिए अगर बाहर से हायर किया है तो मेहनत कम करनी पड़ेगी अरे डू यू अग्री विथ मी फिर अच्छा ये जो ऑब्जेक्टिव है वो अनबायस्ड वाला नहीं है इसने सारी इंपॉर्टेंट चीजें कवर की है ना वो था फिर इंफ्लुएंस द एक्सटेंड टू विच मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज कंट्रोल इन्फ्लुएंस द वर्क ऑफ एक्सपर्ट क्या हर छोटी मोटी चीज के लिए किसकी परमिशन लगती है मैनेजमेंट मतलब अजम्पशन लेना है पहले किससे अप्रूवल लो मैनेजमेंट मेथड लेना किससे अप्रूवल लो मैनेजमेंट डेटा किससे मिल रहा है मैनेजमेंट इसको कोई भी चेंज करना है किससे करना है मैनेजमेंट सब कुछ किसके हाथ में है मैनेजमेंट मैनेजमेंट के हाथ में मतलब ये पूरा प्रेशर में काम कर रहा है हमको मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी देखो एक बार सुनो शॉर्टकट पर देखेंगे ठीक है आपकी इसमें शायद लिखा हो या फिर कुछ लोगों में लिखा नहीं हो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट्स मतलब इसने अपना जैसे सुनो आप कौन से सीए पे ज्यादा भरोसा करोगे जो अकाउंटिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से करता है जो अपने मन से करता है आप कौन से एक्सपर्ट पे ज्यादा भरोसा करोगे जो कोई स्टैंडर्ड फॉलो करता है कि अपने मन से काम करता है बहुत वेल रिसर्च किए हुए है बड़े बड़े लोगों ने अगर सैंड बनाए हैं वो फॉलो करने वाला बंदा है तो हम उस पर विश्वास ज़्यादा करेंगे अगर ऐसा कुछ भी नहीं है तो विश्वास कम करेंगे आपको देखना है कि वो प्रोफेशनल रिक्वायरमेंट फॉलो कर रहा है क्या प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स लिखा है आपके इसमें लिखा है कि नहीं लिखा है आपके जो सैंपल uh, बुक है सैंपल बुक में शायद नहीं होगा लेकिन लिखा है अच्छा आपके इसमें लिखा है मेरे इसमें नहीं है पैसे नहीं दिए होंगे ठीक है सैंपल में लिखा है और एक्चुअल बुक में उसमें लिखा है वाह ये है हमारी टीम मतलब सैंपल में बुक में है क्या हाँ तो लिख लो सैंपल में अरे लिखो टेक्निकल परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स और अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट इतना तो किसी को याद नहीं रहता अपने को इतना रहता कोई स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं किया किया तो विश्वास ज्यादा है नहीं किया तो विश्वास कम है जैसी ऐसे खत्म होगा इसकी जो मेरी फाइल होती है वो मैं अपलोड कर दूंगा ठीक है लेकिन क्या बच्चों को ज्यादा दो हलाल बन जाते फिर कुछ लोग लिखना ही प्रोफेशनल स्टैंडर्ड और अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट अदर प्रोफेशनल और प्रोफेशनल है वो पी आर ओ एफ अदर प्रोफेशनल इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट बस थोड़ा सा वेट करो आपको ब्रेक ज्यादा मिलेगी भाई अगर मैं एक बीस को छोड़ूंगा तो दो बीस तक ऐसा बोलना पड़ता ठीक है <laughs> साला कमीना आदमी बोले ओके निसन कंट्रोल ओवर एक्सपर्ट मैनेजमेंट का कितना अच्छा इंटरनल कंट्रोल सिस्टम था अगर वो एक्सपर्ट के काम को वो खुद चेक कर रहे हैं तो हमारा विश्वास ज्यादा है एक्सपर्ट के देखो दखल अंदाजी नहीं चाहिए वो जब काम कर लेता है तो उसको मैनेजमेंट का एक बंदा चेक करता है तो उसको हमारे ऊपर विश्वास ज्यादा होगा अरे यस नो नाउ ऑडिटर रिलेटेड ऑडिटर को नॉलेज है क्या ऑडिटर को नॉलेज है क्या अरे भाई ऑडिटर को इस फील्ड का कोई नॉलेज नहीं है मेहनत कम करनी पड़ेगी ज्यादा करनी पड़ेगी ज्यादा फिर उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस पिछला एक्सपीरियंस बोलता है कि ये बंदा अच्छे से काम करता नहीं है तो मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी अरे यस नो ओके अब सुनो ये मैंने अभी फट, फट 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 बोला अब इसको हम समेट रहे हैं दिमाग में फिट कर रहे हैं फिर से ध्यान से सुन लो जब मैनेजमेंट का बंदा एक्सपर्ट काम करके अपनी रिपोर्ट अपनी फाइलें तुम्हारे सामने पेश करेगा तो उसको दो घंटे में निपटाना है कि दो हफ्ते लगाने हैं नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर कुछ बातों पे डिपेंड करेगा तो उन्होंने उसके फैक्टर दिए एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है पहले आप समझो हमने ग्रुपिंग कैसे मारी है डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है डिपेंड करता है कि मैटर कैसा है इसलिए वहां पे लिखा है मैटर रिलेटेड पॉइंट्स ऑडिट का मैटर क्या है मैटर रिलेटेड पॉइंट्स फिर उसके बाद में क्या है एक्सपर्ट रिलेटेड पॉइंट्स और आखिरी में क्या है ऑडिटर रिलेटेड पॉइंट्स सबसे पहला सबसे पहला आपका मैटर रिलेटेड पॉइंट एन आर ए एन सैंड फॉर नेचर ऑफ़ द आइटम इज इट ओल्ड और न्यू कॉम्प्लेक्स और नॉट आर सैंड फॉर रिस्क कितना है उस मैट आइटम में रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ए सैंड फॉर ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस है, है कि नहीं है फिर उसके बाद में आपका एक्सपोर पॉइंट है उसका अपन ने ओरी ओरी ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्टिव एक्सपर्ट जो ऑब्जेक्टिव लेके चला था क्या उसने पूरे कंपनी को कवर किया कि नहीं किया सारी प्रोसीजर लगाई कि नहीं लगाई सारे प्रिकॉशन लगाए कि नहीं लगाए दट इज ओ इज फॉर ऑब्जेक्टिव देन उसके बाद में आर इज फॉर रिक्वायरमेंट उसने किसी प्रोफेशनल टेक्निकल स्टैंडर्ड के हिसाब से काम किया कि नहीं किया ओरी देन ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट ईच पहले आई लिखा है सॉरी अभी स्पेलिंग आए कि आई स्टैंड फॉर इन्फ्लुएंस अगर मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस है हर इसमें दखल अंदाजी है तो फिर मैनेजमेंट के कंट्रोल में चलता है बंदा हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ई स्टैंड फॉर एम्प्लॉयमेंट अगर बंदा एम्प्लॉय नहीं अगर बंदा एम्प्लॉय है तो फिर हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अरे यस नो ठीक है और सी सेलिब्रिटी सी फॉर कंट्रोल जब मैनेजमेंट के बंदे ने काम किया तो किसी होनार बुद्धिमान शक्तिमान व्यक्ति ने उसका काम चेक किया कि नहीं किया सुनो मैं जब बात करता हूं ना मैं एक डायरेक्शन में बात करता हूं मतलब मैं हर पॉइंट को इस तरीके से बात करता हूं कि मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इससे बोलना समझना और याद रखना आसान है आसान है आसान है आसान है, आसान है।, आसान है।, आसान है। ऑडिटर्स नॉलेज के दो पॉइंट थे ऑडिटर का नॉलेज उसका नॉलेज कितना है उसका प्रीवियस एक्सपीरियंस अब गाइज अगर आप इस सब्जेक्ट का फीचर समझ जाएंगे इसलिए बच्चे इसके अंदर ऐसे फैक्टर मिलेंगे इसमें ज्यादा लोड लेने का नहीं है इसका ऑडियो मिलेगा सुनते रहेंगे एक बजकर बाईस मिनट तक मैंने पढ़ाया दो बीस को हमारी क्लास शुरू होगी तुम्हारा मन करेगा तो रात के दो बजा दोगे तुम कोई डाउट होगा तो मुझसे आके बात करेंगे पागल हो गए बोले गुड आफ्टरनून साढ़े आठ बजे ओके चलिए अब हम लोग इस स्टैंडर्ड के आखिरी लास्ट फेज में है लास्ट पार्ट में है चलिए थोड़ा सा मेरे को रिवाइज करवाइए सबूत हो तो कैसा हो sufficient. सब इतने जोर से बोलो कि बाजू वाला जाग जाए सबूत हो तो कैसा हो सफिशियंट मतलब क्या क्वांटिटी अरे सफिशियंट मतलब क्या क्वांटिटी अप्रोप्रिएट मतलब क्या क्वालिटी मतलब क्या रिलायबल और रेलेवेंट अरे रिलायबल और रेलेवेंट सबसे रिलायबल एविडेंस कौन सा होता है एक्सटर्नल कंफर्मेशन रिलायबिलिटी के फैक्टर्स बोलो सबसे पहला सोर्स अगर बाहर से आता है इंडिपेंडेंट तो ज्यादा रिलायबल है फिर उसके बाद में फॉर्म रिटर्न में तो ज्यादा रिलायबल है नेचर ओरिजिनल अगर ओरिजिनल है तो ज्यादा रिलायबल है फिर अगर डायरेक्टली किसको मिलता है ऑडिटर को तो ज्यादा रिलायबल है क्या इंटरनल एविडेंस रिलायबल हो सकता है क्या अरे यस yes, नो no? yes, no. क्या अच्छा होना चाहिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम उसको बनाने का प्रोसेस बड़ा प्यारा होना चाहिए अच्छा होना चाहिए तो वो भी रिलायबल हो सकता है फिर रिलायबल के बाद में क्या होता है रेलेवेंट अरे क्या होता है रेलेवेंट पहले रेलेवेंट का मतलब समझाएंगे कौन सा एग्जाम्पल इनवेंट्री फिर कौन सा क्रेडिटर फिर कौन सा डेटर टेस्ट ऑफ कंट्रोल करके कौन सा एविडेंस लो रेलेवेंट प्रोसीजर लो कौन सा एविडेंस रेलेवेंट एक्सपर्ट के लिए कितने स्टेप्स है तीन स्टेप नंबर वन एक्सपर्ट कैसा हो सी सी ओ सी फॉर कॉम्पिटन्स सी फॉर कैपेबिलिटी ओ फॉर ऑब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी मतलब क्या निष्पक्ष न्यूट्रल अनबायस अपने पर्सनल लाइकिंग डिसलाइकिंग को बाजू में रखो अपने रिश्तेदारों को बाजू में रखो अपने फ्रेंड्स को बाजू में रखो जो तथ्य है उसके हिसाब से डिसीजन लो डोंट पुट पर्सनल बायस ऑडिट में खुन्नस मत निकालो प्यार मोहब्बत मत करो अनबायस्टो सी सी ओ फिर स्टेप नंबर टू ऑपटेन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फील्ड ऑफ द एक्सपर्ट थोड़ी जानकारी तुम भी हासिल कर लो थोड़ी समझदारी तुम भी हासिल कर लो स्टेप नंबर थ्री इवेल्युएटिंग वर्क हर एक्सपर्ट क्या लगता है डायग्राम दिमाग आती है डेटा आपको दिख रहा है क्या बॉक्स याद आ रहा है क्या क्या होता है डेटा डेटा कैसा हो कंप्लीट एक्यूरेट रेलेवेंट कार और क्या लगता है आपके अजम्पन मैथड रेलेवेंट एंड रीजनेबल रिपोर्ट भी कैसी हो रेलेवेंट एंड रीजनेबल और दूसरे एविडेंस से मैच करें छोटा मोटा छूट भी गया तो कोई फर्क पड़ता नहीं है इतना लोड लेने का नहीं है जो बंदा भी चेक करता है वो मोटा मोटी आंसर समझता है और देखता है आप किस में आंसर है कि नहीं है कोई सुपर कंप्यूटर नहीं होता कि वहां पे चार वर्ड थे और तुमने यहाँ पे तीन वर्ड लिखे ऐसा होता नहीं है फिर यहां से हम आए गए कि मेहनत कहां पे ज्यादा करना और मेहनत कहां पे कम करना मेहनत के लिए उन्होंने वर्ड यूज किया एन टी ई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर एन स्टैंड फॉर नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर टी स्टैंड फॉर टाइमिंग ऑफ ऑडिट प्रोसीजर ई स्टैंड फॉर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर फैक्टर्स को हमने बांटा ठीक है हमने उसको ग्रुपिंग मारा पहले मैटर रिलेटेड पॉइंट कौन से मैटर रिलेटेड फिर कौन से एक्सपर्ट रिलेटेड फिर कौन से एक्सपर्ट रिलेटेड फिर तीसरा ऑडिटर रिलेटेड मैटर रिलेटेड एन आर ए एन सेंड फॉर नेचर एंड कॉम्प्लेक्सिटी आर सेंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट फिर ए सेंड फॉर ऑल्टरनेट ऑडिट एविडेंस अवेलेबल है कि नहीं है फिर हम लोग आए एक्सपर्ट रिलेटेड पॉइंट्स कौन से पॉइंट एक्सपर्ट रिलेटेड पॉइंट्स ओरी हमारा सेलिब्रिटी है एक्सपर्ट है हमारा सोशल मीडिया कौन ओरी ऐसा बोला जाता है कि वो इतना बड़ा गेम खेल रहा है वो इतना बड़ा ब्रांड बनने वाला है और इतना पैसा कमाने वाला है लोग उसको बेवकूफ़ बोल रहे हैं एंड ही नोज एग्जैक्टली वॉट ही इज़ डूइंग ही इज़ प्लेइंग अ मच बिगर गेम ही इज़ अ वेरी वेल्दी पर्सन बहुत पैसा है उसके बापू के पास में ज़बरदस्त पैसा है वो पैसे को और बढ़ाने वाला है बहुत सारे सेलिब्रिटी वो होते हैं जो कुछ नहीं करते क्योंकि जब वो कुछ नहीं करते वो दिन रात सोशल मीडिया पे रहते दे डोंट डू एनीथिंग करेक्ट तो वो बहुत बड़ा गेम है उसको कभी बेवकूफ़ नहीं समझना फिर तो ओरी सेलिब्रिटी अपना ओ सैंड फॉर ऑब्जेक्टिव जब अपना बंदा मैदान में उतरा चेकिंग करने के लिए उसके जो टारगेट थे सब कुछ कवर किया कि नहीं किया फिर उसके बाद में ओरी आर सैंड फॉर रिक्वायरमेंट कोई उसने टेक्निकल स्टैंडर्ड फॉलो किया कि नहीं किया आई स्टैंड फॉर इंफ्लुएंस मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस था कि नहीं था एम्प्लॉयमेंट मैनेजमेंट e के अंदर काम करता है कि बाहर का बंदा है एंड स्टैंड फॉर कंट्रोल अगर उसके ऑब्जेक्टिव छोटे हैं मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी उसने अगर कोई रिक्वायरमेंट स्टैंड फॉलो नहीं किया तो हमको मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी मैनेजमेंट का इन्फ्लुएंस था उसके ऊपर तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी इन्फ्लुएंस था हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी अगर वो एम्प्लॉयड है बाहर का बंदा नहीं है तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी मैनेजमेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं मैनेजमेंट की तरफ से कोई मैनेजर नहीं था उसका काम चेक करने वाला सब भगवान भरोसे है तो हमको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी ऑडिटर के दो पॉइंट थे ऑडिटर का नॉलेज ऑडिटर का नॉलेज अगर कम है तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी उसका प्रीवियस पर्सनल एक्सपीरियंस अगर ख़राब है तो उसको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी या फिर एक्सपीरियंस नहीं है तो भी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी जितना मैंने बोला उतनी गहराई में जाना है और मैं आपको बता रहा हूँ अगली बार से ये हमने बोल दिया है एन एम आर सी एन स्टैंड फॉर नेचर एम सैंड फॉर मटेरियलिटी आर सैंड फॉर रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट सी स्टैंड फॉर कंट्रोल्स ये लिस्ट हम लोग आगे कम ज़्यादा करते जाएंगे जैसे एक एक चीज़ समझते जाएंगे अभी तक इतनी चीज़ समझ ली थी एनएमआरसी एम ये सब्जेक्ट का फीचर है दोस्तों करेक्ट इससे घबराने का नहीं है उसको अपनाने का है इसको कैसे स्मार्टली डील करते वो देखना है नाउ लिसन बाकायदा ऑडिट के अंदर भर भर के फाइलें बनती है तीस चालीस चालीस फाइलें बनती है और बहुत बार आर्टिकल को उठानी पड़ती है आर्टिकल को उठानी पड़ती है।, है अच्छा आर्टिकल एकदम चौड़ में चलता है एकदम माहौल में चलता है क्लाइंट प्लेस पे क्लाइंट प्लेस पे उसकी आवभगत भगत होती है ऑडिटर इज मोस्ट रिस्पेक्टेड ऑन द फेस एंड मोस्ट अब्यूज एट द बैक। लोग तुमको देखो इतनी तारीफ करेंगे सर दो मेन्यू कार्ड लोग अलग अलग रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करो सब्जी एक से रोटी पहले पागल हो गया क्या इतनी इज्जत देंगे ऑन फेस और इतनी गाली मारेंगे एट द बैक और वहां पे क्लाइंट प्लेस में जन्नत लोग आएंगे तुम्हारी फाइलें उठाएंगे तुमको हर सुख सुविधा देंगे क्योंकि फंडा एकदम सिंपल है इसको इतनी सुख सुविधा दो कि वो काम कम करे जितनी सुख सुविधा देंगे एक हफ्ते काम करने के लिए आया है सुख सुविधा दो जैसे आपके बैंक ऑडिट में एक हफ्ते का टाइम मिलता है तुम गए ऑडिट करने के लिए तो पहले प्लान बना दे कि दो दिन घूमने कहाँ जाना है इसके अगर दो दिन अपन ने उड़ा दिए सात में से तो काम सिर्फ कितना करेगा? पांच। एकदम सॉलिड स्ट्रेटेजी है ऑडिटर को इतनी पैम्परिंग करो उसका टाइम वेस्ट हो जाए और मैं बोलता हूँ कुछ ऑडिटर को ये बहुत मजा आता है। शाही ट्रीटमेंट एकदम उसको बहुत आता घूम रहे लोग अपने आगे पीछे घूम रहे अपने को हाँ हो कर रहे बहुत बढ़िया नौ अच्छा फिर तुम आते अपने ऑफिस में सीधा इज्जत खत्म यहाँ का प्यून अपने को देखता भी नहीं वो बोलता मैं तेरे से ज़्यादा सीनियर हूँ <laughs> तेरे को बोले दो महीने हुए मेरे को यहाँ पे चार साल हो गए बोले तो तेरी फाइल तू उठाएंगा एनीवेज लेसन गाइज कंपनी के अंदर हजारों लाखों डॉक्यूमेंट है बहुत सारी रिपोर्ट्स है अगर अब ये समझा रहे अगर तुम किसी डॉक्यूमेंट को अपने फाइल में जगह देना चाहते हो अगर तुम किसी डॉक्यूमेंट को अपने फाइल में जगह देना चाहते हो और बोलना चाहते हो कि ये ऑडिट एविडेंस है तो बोलते कॉमन सेंस है क्वालिटी होना चाहिए इट शुड बी रिलायबल एंड रेलिवेंट इट शुड बी रिलायबल एंड रेलिवेंट और आगे जाके आपको और समझा रहे बोले चार चीजें होनी चाहिए ए पी सी डी ए बी सी डी होता है यहाँ पे क्या क्या बोला ए पी सी डी अगर आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आएंगे कभी आपके बैंक के डॉक्यूमेंट होंगे सेल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे सेल्स इन्वायस होंगे परचेस इन्वायस होंगे सैलरी स्लिप्स होंगी हजार तरह के डॉक्यूमेंट होंगे किसी चीज को भी अगर आप आपके फाइल में जगह देना चाहते हो एज अ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिलायबल रिलेवेंट के साथ में चार चीज़ें फुलफिल होनी चाहिए ए पी सी डी ए स्टैंड फॉर एक्यूरेट ये बार बार रिपीट हो रहा है कोई बड़ी बात है ये एक्यूरेट होना चाहिए अगर हम इसको मैच करके देखे दूसरे डॉक्यूमेंट से सिस्टम से तो ये मैच होना चाहिए पी स्टैंड फॉर प्रिसाइज आपको बता दू बहुत सारी चीजें हमको रेंज में मिलती है किस में मिलती है रेंज में जैसे अगर हम लोगों ने बोला कि पैसा डूबने कितने चांसेस है प्रोविजन फॉर डेट तो आपको रेंज बताएगा वो रेंज नैरो चाहिए। तुमने बोला कितना पैसा डूब सकता है बोले पांच लाख से पचास पचास करोड़ भाई ये कोई रेंज है कभी इसमें पूरा ब्रह्मांड समा जाएंगे पाँच लाख से पचास करोड़ पागल है क्या भाई तू मुझे ऐसा बोल कि दस से बारह करोड़ का हमको लॉस हो सकता है तो मेरे को समझ में आता है दो करोड़ का रेंज है तो ये पाँच लाख से पचास करोड़ इतना बड़ा रेंज है मतलब पूरी दुनिया सही है तो कभी भी अगर आपको डेटा डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन रेंज में मिले तो वो कैसी हो प्रिसाइज वहां पे लिख लो प्रिसाइज मतलब नैरो रेंज प्रिसाइज मतलब नैरो रेंज सही बात है अंधा कानून अरमान सौम्य मानसी मानसी बोल रही कोई टेलीग्राम ग्रुप है क्या कोई बात नहीं। कल मैं क्लास में भी लगाने वाला हूं वो क्यू आर कोड इधर और मेरे को याद देना आखिरी में स्क्रीन पे क्यू आर कोड दिखा दूंगा नाउ पी सेंड फॉर प्रिसाइज सी सेंड फॉर कंप्लीट पूरी चीज कवर हो सारे एम्प्लॉइज कवर हो सारे ब्रांचेस कवर्ड हो अगर सारी चीजें कवर्ड उसको क्या बोलते हैं कंप्लीट इसमें डिस्कशन के लिए कुछ भी नहीं है डी स्टैंड फॉर डिटेल्ड ध्यान दीजिए अगर आपको सेल्स चेक करना है क्या चेक करना है आपको सेल्स अगर आपको सिर्फ मंथ वाइज सेल दे दिया हर महीने का अरे भाई उसको प्रोडक्ट वाइज बांट अलग अलग प्रोडक्ट्स है कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा कर रहा कम कर रहा है किसमें उछाल है किस में नहीं है हमको देखना है एनालाइज करना है दिवाली में अलग प्रोडक्ट चलते हैं न्यू ईयर में अलग प्रोडक्ट चलते हैं हाँ सर कुछ समझ आ क्यों चल रहे हैं क्रिसमस में अलग गणेश फेस्टिवल में अलग तो अपने को ब्रेकअप चाहिए फिर रीजन वाइज भी चेंज होता रीजन वाइज भी चेंज होता आपका डिटेल मेरे को ब्रांच वाइज भी ब्रेकअप दे मेरे को ब्रांच वाइज ब्रेकअप दे भैया तब मैं एनालिसिस कर पाऊँगा तू एकदम ग्रॉस लेवल पे डेटा देगा तो मैं एनालिसिस नहीं कर पाऊंगा करेक्ट तो इसलिए डिटेल्ड बोला है बस हो गया ख़त्म किसी भी डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड को अगर ऑडिट एविडेंस का दर्जा देना है फाइल में जगह देना है रिलायबल रेलिवेंट के साथ में चार चीजें ए पी सी डी ए फॉर एक्यूरेट पी फॉर प्रिसाइज सी फॉर कंप्लीट डी फॉर डिटेल पहली बार अपन ने क्या यूज किया निमोनिक वो मेरे को लगा कि जम जाएगा अब इसके अंदर ये फीचर है अब आपको एक्यूरेट वर्ड जितने बार आएगा मेरे को बार बार समझाने की जरूरत नहीं है नाउ इट विल रिपीट अगेन एंड अगेन ओके आइए ध्यान देंगे नौ ये पूरा हमने कवर किया देख लो एक बार पढ़ लेते इफ ऑडिटर इज टू यूज एनी इंफॉर्मेशन एज ऑडिट एविडेंस ही शुड एंश्योर दैट इट शुड भी रिलायट दट शुड बी रिलेवेंट एंड रिलायबल फर्दर इफ एनी इन्फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटी प्रोड्यूस मतलब कंपनी के अंदर से आ रहा है देन बिफोर कंसिडरिंग इट एज एविडेंस शुड एंश्योर दैट इंफॉर्मेशन इज जो भी जानकारी हमको मिल रही है कंपनी के अंदर से वो एपीसीडी होनी चाहिए फॉर एक्ट पी फॉर प्रिसाइज डी फॉर सी फॉर कंप्लीट डी फॉर डिटेल नाउ इनकिस्टेंसी इनकंसिस्टेंसी और डाउट इनकंसिस्टेंसी और डाउट ओवर रिलायबिलिटी ऑफ देंस ध्यान दो कभी कभी आप जब सबूत इकट्ठा करते हो तो आपको अचानक दिखता है कि चीज़ें मैच नहीं हो रही आपस में आपस में चीज़ें मैच नहीं हो रही इनकंसिस्टेंट है क्या है इनकंसिस्टेंट या फिर आपको डाउट लग रहा है तो बस उसने इतना ही लिखा है जब भी ऐसा हो आपने सतर्क होना चाहिए आपने ज़्यादा ऑडिट प्रोसीजर लगानी चाहिए इनडेप घुसना चाहिए अब मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं देखो लोग कैसा बेवकूफ़ बनाते हैं बैलेंस शीट में दिख रहा है बैंक बैलेंस पांच करोड़ कितना दिख रहा है पांच करोड़ हमने बैंक से हमने बैंक के पोर्टल से हमारे सामने स्टेटमेंट डाउनलोड करवाया और वो दिख रहा है साढ़े तीन करोड़ मतलब बैलेंस शीट से कितना आ रहा है पांच करोड़ आपके बैंक रिकन्सलेशन में दिख रहा था कितना पांच करोड़ बराबर रिकनस लेकिन बैंक स्टेटमेंट कितना आ रहा है साढ़े तीन करोड़ मतलब कंपनी के अंदर से जो इंटरनल एविडेंस आ रहा है कंपनी के अंदर से जो इंटरनल एविडेंस आ रहा है और बैंक के पोर्टल से जो एविडेंस मिल रहा है वापस में मैच नहीं हो रहा है या फिर मैं यार दो साल से इनका ऑडिट कर रहा हूं इनका बैलेंस एक करोड़ के आसपास रहता है आज अचानक पांच करोड़ है तो वापस मेरे मन में क्या है डाउट तो कॉमन सेंस है आप क्या करोगे व्हाट विल यू डू आप इंक्रीज करोगे ऑडिट प्रोसीजर आप इंक्वायरी को बढ़ा दोगे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज्यादा लोगे यस नो एनालिसिस भी ज्यादा करोगे अब मैं आपको बताऊ क्या गेम चलता है एक नंबर गेम चलाते हैं कोई भी कंपनी चाहती है कि बैलेंस शीट डेट में करंट एसेट करंट एसेट ज्यादा हो करंट एसेट अगर ज्यादा होंगे तो करंट एसेट रेशो बढ़ जाएगा अरे यस नो दुण। 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 बढ़ जाएगा ना तब इनको करंट एसेट बढ़ाने होते हैं करंट एसेट अब इनको बढ़ाने हैं वो भी उसमें भी इनको आपको पता है क्विक रेशियो निकलता है क्या निकलता है क्विक रेशियो सुना है कभी आपने जो बहुत ही लिक्विड रहता है कैश कैश बैलेंस बैंक बैलेंस चलो नहीं सुना होगा कोई बात नहीं आपका एफएम पूरा चैप्टर होगा रेशियो एनालिसिस सीखोगे कोई भी कंपनी खुद की फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव करने के लिए बैंक बैलेंस कैश बैलेंस ज्यादा चाहती है तो हमने बोला डेढ़ करोड़ का फर्क है भाई क्या ही है बोले हमको इकतीस मार्च को डेढ़ करोड़ का चेक मिला एक पार्टी से मिल नहीं सकता क्या मिल सकता है तो डेढ़ करोड़ का चेक हमने बैंक में डिपॉजिट किया बोले तो बैंक में डिपॉजिट किया तो एंट्री क्या बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी अकाउंट क्रेडिट टू डेटर अकाउंट क्रेडिट बोले डेढ़ करोड़ का चेक है और बोले फिर बैंक स्टेटमेंट में क्यों नहीं दिख रहा क्योंकि बोले बैंक स्टेटमेंट में इसलिए दिख रहा क्योंकि अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ अभी चेक क्लियर नहीं हुआ डू अग्री विथ मी यस नो पूरा गेम है और तुमको फंसाया जा रहा है अब एक ऑइट रहता भोला भाबड़ा अच्छा तो ऐसा है क्या पूरा गेम खेल डाला दस दिन के बाद एंट्री है रिवर्सल दस दिन के बाद एंट्री मार दी रिवर्सल कि भाई चेक बाउंस हो गया लेकिन गेम तो बच गया इकतीस मार्च को तो बैलेंस बड़ा हो गया ना गेम ऐसा था कोई चेक नहीं था सिर्फ बोला गया कि चेक आया है कभी किसी ने चेक डिपॉजिट किया क्या बैंक में किया है आप लोगों ने आगे की जनरेशन बोलेंगे चेक क्या होता है यूपीआई यूपीआई होता है बोले चेक क्या होता है अगर आप डिपॉजिट कर दे तो स्लिप होती है एक बड़ी स्लिप होती है और एक छोटी स्लिप होती है चेक के डिटेल्स अकाउंट डिटेल्स दोनों में भरने पड़ते हैं बड़ी स्लिप और छोटी स्लिप बड़ी स्लिप और चेक बैंक को देते और छोटी स्लिप पे ठप्पा होता है एज अ प्रूफ कि चेक जमा किया बैंक वाले समझ रहे क्या कंपनी लोगों ने क्या किया कंपनी के लोगों ने बोला कि हम क्यूट बनाएंगे ऑर्डर को और उन्होंने क्या किया उन्होंने बोला कि एक डेढ़ करोड़ का चेक आया पार्टी से और हमने जमा कर दिया और उन्होंने एक छोटी सी स्लिप रखी है विथ ऑल द डिटेल्स विथ ऑल द डिटेल्स और ऐसा दिख रहा है कि डेढ़ करोड़ का चेक कहाँ जमा किया बैंक में बैंक में इमिजिएटली रिफ्लेक्ट होने वाला नहीं है अरे यस नो और स्टैंप उसमें कंपनी का मारा तब समझता नहीं बहुत सी बार लोग देखते नहीं स्टैम्प कौन सा है सिर्फ क्या देखते स्टैंप है स्टैंप है देख लेते कुछ ऑडिटर को क्लिक होता किसको क्लिक नहीं होता और या फिर ऐसा स्टैंप रहता जो बहुत ही ऐसा क्लियरिटी uh, नहीं है उसमें दिखता नहीं कि एग्जैक्टली exactly स्टैंप किसका है सिर्फ इतना दिखता है, क्या है स्टैंप है पूरा गेम बजा दिया बैलेंस शीट को मैनुपलेट कर दिया डेढ़ करोड़ से बैलेंस बढ़ा दिया बैलेंस शीट बन गई सब बढ़िया हो गया दस दिन के बाद में क्या मार दिया रिवर्स मास्टर स्ट्रोक मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना तो मैनुपलेशन की दुकान है तुम बोलो तुमको कितना चाहिए डेढ़ क्या ढाई करोड़ का चेक मार देते अपन प्रैक्टिकल लाइफ में कोई उतरा ना बेवकूफ़ बनाने के लिए तो वो इतना बेवकूफ़ बना सकता है जिसकी कोई लिमिट नहीं है इतने शातिर लोग रहते हैं और क्या सफाई से काम हुआ अरे तुमको समझा क्या अरे यस नो yes, तो हाँ तो सब में उन्होंने बोला ना कि बाउंस हो गया खत्म बाउंस नहीं हो सकते चेक हो सकता कि नहीं हो सकता बाउंस हो गया बिल्कुल सही इनकंसिस्टेंसी एंड कॉन्ट्रडिक्टरी आर सेम कभी ऐसा बोलना ऐसा बोल देते कभी वैसा बोलना वैसा बोल देते कोई डिफरेंस नहीं जबरदस्ती कोई डिफरेंसिंग है ना प्लीज गाइस एक और चीज दो सिमिलर वर्ड्स के बीच में जबरदस्ती कोई डिफरेंशिएशन करने का नहीं सबकी भावनाएं सेम है, है ये सब्जेक्ट भावनाओं से चलेगा समझ रहे क्या इसलिए भावनाओं को हमेशा साथ में लेकर चलना जरूरी है क्या नहीं यहाँ पर ऑडिटर सब बोले कि फिर ऑडिटर क्या करेगा ऑडिटर छानबीन करेगा सही में चेक आया था क्या चेक के पे कॉपी सिग्नेचर कहा स्टैम बराबर था क्या तो ये झूठ पकड़ा जाएगा अगर वो स्मार्ट है तो वो देखेगा कि भैया ये सब पकड़ा जाएगा ऐसा नहीं कि पकड़ नहीं सकते थोड़ा सा इंडेप वही लिखा हुआ है जब भी ऐसा हो तो ऑर्ट और, ऑडिट की बढ़ा दो क्या लिखा है? देखो इफ ऑडिटर कम अक्रॉस सिचुएशन जहां पे इंफॉर्मेशन विथ वन सोर्स इज inconsistent it is inconsistent with another source spelling another source or auditor has doubt over reliability of information to be used as audit evidence the auditor shall determine what modification matlab change modification matlab change should be done to audit procedure as necessary to resolve the matter ऑडिटर ज्यादा चेकिंग नहीं करता था कि सब्सिक्वेंटली चेक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ लेकिन उसको क्या मिला Inconsistency. उसके मन में क्या आया डाउट तो वो बोलेगा मेरे को इसकी चेक की पूरी कुंडली चाहिए आगे क्या हुआ मुझे चेक करना है और अगर वो देखेगा ऐसा रिवर्सल तो उसका दिमाग खनकेगा कि भाई कुछ दाल में काला है सिर्फ इतना बोला है मॉडिफाई करो बस आपको इतना सिखाया जा रहा है जब ऐसी सिचुएशन तुम्हारे सामने जिंदगी में आए तो स्टैगनेंट मत रहो इमीजिए गियर चेंज करो और ऑडिट प्रोसीजर को बढ़ा दो मॉडिफाई दोसिजर्सिडर द इफेक्ट ऑफ दैट मैटर और एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ द ऑडिट कंसिडर द इफेक्ट ऑफ द मैटर एनी अदर एस्पेक्ट एस्पेक्ट मतलब पार्ट अगर ये चोरी पकड़ी गई तो हमारा दिमाग ठनकेगा एकदम साला इतना बड़ा गेम मेरे साथ में इसका मतलब मैंने और अलर्ट हो जाना चाहिए पहले मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क को लो समझ के चल रहा था क्या समझ रहा था लो लेकिन इतना बड़ा धोखा मिला है मेरे को इतना बड़ा धोखा मिला है अब मैं उसको लो लेवल से मीडियम लेवल पे लेके जाऊंगा और मैं मेरी प्रोसीजर्स को और केयरफुली करूंगा एक बार ठोकर लगती ना आदमी को तो आदमी उसका इफेक्ट हर जगह देखता है एक बार पकड़ा गया कि बात किसी और से चल रही थी रात को 12 बजे फोन किया भाई ने फोन बिजी था फोन बिजी था सामने से जवाब आया कि मैं मेरी दोस्त से बात कर रही थी दो दिन पता बात पता चला कि दोस्त से बात तो नहीं हो रही थी मोए मोए हो गया बाब फिर अब तो हर बात में अच्छा बाहर जा रहे हो संडे इवनिंग मूवी और मेरे को बताया भी नहीं है मतलब दाल में कुछ काला है गलती एक जगह मिलती उसका असर बाकी जगह पे भी लेना पड़ता है लेट फ्रीज जब क्या मिले दो चीजें क्या इनकंसिस्टेंसी अरे क्या मिले इनकंसिस्टेंसी या फिर क्या हो डाउट क्या करेंगे मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर एंड वी शुड कंसर इफेक्ट ऑन अदर एस्पेक्ट एस्पेक्ट मतलब कहीं की रिस्क मुझे बढ़ाने की जरूरत है क्या विश्वास कम करने की जरूरत है क्या वो मैंने सोचना चाहिए ओके गाइस लास्ट थिंग फॉर द सेकंड लास्ट थिंग फॉर इतनी जल्दी खुशी मनानी नहीं चाहिए ओके okay. आसान है आसान है आसान है आसमान है इंसान हाँ, बोल है।, है।, <laughs> है बोले ओके okay. ध्यान देंगे चलिए आपके सामने सवाल है जवाब दीजिए कंपनीज हैविंग साल भर में दस हजार सेल्स के ट्रांजैक्शन, दस हजार सेल्स के ट्रांजैक्शन। आपको बोला है कि आपको कुछ इन्वाइसेस को अपने डॉक्यूमेंट में जगा देनी फाइल में टेन थाउजेंड सेल्स ट्रांजैक्शन है कितने टेन थाउजेंड आप कैसे तय करोगे कौन से डॉक्यूमेंट्स को मैं मेरे फाइल में जगा दू कैन बी पुट ऑल टेन थाउजेंड क्या हम लोग कंपनी के हर डॉक्यूमेंट को जेरोक्स करके डाल सकते yes. नहीं डाल सकते हाउ विल यू डू इट अपना अगला टॉपिक है अपना सिलेक्टिंग द सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर ऑडिट एविडेंस सिलेक्शन कैसे करना सिलेक्शन कैसे करना यस मैडम मैडम बोल रहे कि जो मटेरियल है कोई बहुत बड़े आइटम है उसको आपने जगह देने चाहिए हाँ सर सर बोल रहे रिस्क वाइज उसको बांटो फिर उसमें से सैंपलिंग करो किसी ने बोला बड़े आइटम सिलेक्ट करो किसने बोला रिस्क के हिसाब सिलेक्ट करो नए कस्टमर्स होंगे वो सिलेक्ट करो वही रहा था अरे यार चलो और कुछ बोल दे हाँ हाँ मोए हाँ हाँ बोलो जिसकी रिपोर्टिंग मैंडेटरी हो लॉ इन्व हो ज्यादा ट्रांजेक्शन हो वॉल्यूम जिसका ज्यादा हो Sir, सर बोल रहे रिलेटेड पार्टी वाले उठाओ अथर बोल रहे रिलेटेड पार्टी को उठाओ ईयर एंड वाले उठाओ हंड्रेड बिग अमाउंट इन्वॉइसेस उठा लो जो आपको लगता है कि बहुत अजीब हो या फिर इजीली मैन्युपुलेट हो सकते हैं जिसमें कैश ट्रांजैक्शन ज्यादा हो कैश ट्रांजेक्ट पता है कैश में क्या होता है कैश में सही में पता नहीं होता है कि इसी बंदे से आया है जब बैंक ट्रांजेक्शन पता होता है इसी बंदे से आया कैश किससे आया इसकी कोई गारंटी नहीं है जो बहुत रिलायबल हो रेलेवेंट हो जो सबसे ज्यादा रिलेवेंट हो काम की चीज हो उसको सिलेक्ट करना चाहिए हाँ पास्ट एक्सपीरियंस को यूज करो जिस जिस में पहले एविडेंस नहीं मिला था अब इच्छा पूरी कर लो हाँ बोल बोल जहां पे ज्यादा चेंजेस है वहां पे कर लो चलो हाँ नई पार्टी पे ध्यान दो क्लास में कौन नया उस पर ध्यान दो और जहां पे अमाउंट थोड़ा ज्यादा वहां पे ध्यान दो ठीक है जरूरत है हाँ और कुछ चलो ध्यान दो लेसन चलिए थोड़ा करेंगे सिलेक्टिंग आइटम्स भावनाओं को समझ रहे क्या आप भावना को समझ आई होप अपने क्लास में कोई भावना नहीं है है क्या कोई भाव अच्छा इसकी भावना है बोले ये भावना का है वो शर्मा ब्लश कर रहा हो सिलेक्टिंग आइटम्स फॉर ऑडिट एविडेंस ध्यान देंगे हमारे पास में तीन तरीके हैं तीन तरीके हैं दो एक्सट्रीम है और एक बीच में का है फिर ध्यान देंगे देखो कौन असर है देखो एक रहती कैटेगरी मेल और रहते फिर फीमेल और कुछ रहते बराबर नाउ लिसन वो तो सही बोल रहा है जो भी बोलो सही है वो तो मैं कुछ अलग ही कैटेगरी दिखती समझ नहीं मुश्किल है फिर नहीं मेल मत बोलो मैडम वो भी अल्फा <laughs> <laughs> डाउटफुल मेल <laughs> <laughs> ओके, okay. सिलेक्शन एक नहीं, 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 नहीं। अरे ठीक है लेक्टिंग सिलेक्टिंग ऑल हंड्रेड परसेंट आइटम्स ऐसा हम लोग बोल सकते हैं पहला तरीका है कि आप सभी आइटम अभी तो आप बोलते पॉसिबल नहीं है लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा होता है करना पड़ता है कहां पे हम लोग देखेंगे दूसरा आखिरी फिर इसमें अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो अस्सी नब्बे पूरे सौ सौ से निकला भागा चोर निकल निकल के भागा ध्यान देंगे नॉ लिसन अपने पास में दो एक्सट्रीम है पहला एक्सट्रीम हंड्रेड परसेंट दूसरा एक्सट्रीम सैम्पलिंग और उसके बाद में स्पेसिफिक स्पेसिफिक सिलेक्शन स्पेसिफिक आइटम्स का सिलेक्शन एक एक को अपन देखेंगे आइए ठीक है अब तुम सब अडल्ट हो उसमें क्या है ध्यान देंगे चलिए आप मुझे थोड़ा सा एग्जाम्पल दे सकते हैं कौन से एरिया में हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन करेंगे कहां पे हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन करेंगे जहां पे ट्रांजैक्शन कम हो जहां पे ट्रांजैक्शन कम हो वहां पे हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन करेंगे पता नहीं लोग क्या ही समझ रहे और क्या ही कर रहे हैं बोले बहुत फ्रॉड थे कंपनी में तो पूरे लेंगे। तो ले। लोग क्या ही समझ रहे और क्या ही कर रहे हैं उनको ही मालूम चल जहां पे एस्टिमेटेड डेटा ज्यादा हो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जहां पे वीक है ध्यान नहीं मैं क्या कुछ बोल ही नहीं रहा <laughs> ध्यान लेसन अगर आपको ऐसा दिखे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फाइनेंशियल आइटम्स में आपको ऐसा नजर आ रहा है कि फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम्स आप देख रहे हो कि सिर्फ 20 एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन है और हर ट्रांजैक्शन 20-20, 30-30 करोड़ का है तो यहाँ पे अक्कड़ बक्कड़ करके कोई मतलब नहीं है यू शुड सिलेक्ट ऑल ऑफ दम अगर आपको दिखे कि साल भर में चार प्रॉपर्टी खरीदी गई चार प्रॉपर्टी खरीदी गई बहुत महंगे वैल्यू की है यहाँ पर भी ये सब कॉमन सेंस बेस्ड है कोई भी फाइनेंशियल आइटम में आपको दिखेंगे कोई ट्रांजेक्शन्स चीज़ें यूनिट जो है कम हैं लेकिन लार्ज वैल्यू है अगर फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम्स है तो आपने पूरा सेंस बनता है कि आपने क्या करना चाहिए हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन यू शुड सिलेक्ट ऑल द आइटम्स ठीक है फिर उसके बाद जहां पे आपको ऐसा लगे कि सिग्निफिकेंट रिस्क है बहुत ज्यादा मैन्युपुलेशन के चांसेस है बहुत ज्यादा गड़बड़ के चांसेस है अगर आपको ऐसा लगता है दे इज अ सिग्निफिकेंट रिस्क फॉर एग्जाम्पल अचानक अचानक इस साल एक नई सब्सिडी को बनाया गया एक नई सब्सिडी को बनाया गया और 40 ट्रांजैक्शन उनके साथ में किए गए सारे रेवेन्यू ट्रांजैक्शन उसका एक भी रुपया अभी तक हमको मिला नहीं है साफ साफ नज़र आ रहा है ये शायद इसीलिए है कि हमारे मेन कंपनी के सेल्स को बढ़ाकर दिखाया जा सके और वो कंपनी ने क्यों चीजें खरीदी इसका कोई लॉजिक हमको नजर नहीं आ रहा है अगर आपको लगता है जैसे मैंने यहां पे बोला 40 सेल ट्रांजेक्शन टू न्यू सब्सिडरी टू न्यू सब्सिडरी यहां पे यार बहुत ज्यादा मैन्युपलेशन के चांस दिख रहे हैं जानबूझ के इसको बनाया जा रहा है इसका एक रुपया भी हमको मिला हुआ नहीं है कोई लॉजिकल चीज नहीं दिख रही और उसमें हमको नजर आ रहा है कि गुड्स रिटर्न भी आ गए गुड्स रिटर्न भी आ गए मतलब ये पूरा मैन्युपुलेशन है मैनेजमेंट को बोलेंगे देखो इन सब को डिलीट करो एंट्रीज को ये सब फेक एंट्रीज है झूठी एंट्रीज है इनका कोई मतलब नहीं है आप एकदम सामने के सामने पूरा मैन्युपुलेशन कर रहे हैं साफ दिख रहा है इसको ठीक करो नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में हम लिख देंगे सिग्निफिकेंट रिस्क वाली चीज है आर यू गेटिंग दिस पॉइंट यस नो क्विकली पहले कौन सा था फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम्स कौन सा सिलेक्शन करेंगे हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन फिर कौन सा है सिग्निफिकेंट रिस्क है वापस क्या करेंगे सिलेक्शन रिलेटेड पार्टीज के साथ में बहुत सारे ट्रांजेक्शन है तो वहां पे सिग्निफिकेंट रिस्क बहुत बड़ी रिस्क हो सकती है क्या करना चाहिए हमने हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन ठीक है अब कहीं कहीं पे हंड्रेड परसेंट चेकिंग कैन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव हंड्रेड परसेंट चेकिंग कैन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव क्या बात कर रहे हैं सर ऐसा थोड़ी होता है कहां लगता है आपको हंड्रेड परसेंट चेकिंग कैन बिकम कॉस्ट इफेक्टिव हा नहीं मैं ऐसा बोल रहा हूं कि सारी चीजों को चेक करना कॉस्ट इफेक्टिव है एज कंपेयर टू फ्यू थिंग्स मतलब ऐसा कैसे हो सकता है कि 20 चीजों को चेक करना महंगा है और 100 चीजों को चेक करना सस्ता है हाउ इज दैट पॉसिबल मतलब 20 चीजें को चेक करने में मेहनत ज़्यादा है और 100 चीजों को चेक करने में मेहनत कम है हाउ इज दैट पॉसिबल इट कैन बी कॉस्ट इफेक्टिव दो कॉस्ट इफेक्टिव कैसे हो सकता है एक एक तो हाँ बोलिए मैडम हम्म डेटर्स क्रिएटर्स की मीटिंग ऐसे होती हो सब आते हो ऐसे कम होता है क्वेश्चन ऐसा है कि हम बोल रहे हैं हंड्रेड परसेंट सभी चीजों को चेक कर लो वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा दस बीस चीज चेक करने से हंड्रेड परसेंट चेक करने में एफर्ट कम होंगे इंडिविजुअल चेक करने में एफर्ट ज्यादा हो ओके रिसोर्सेस रिसोर्सेस इनफिशियंट है एफिशिएंट है तो, तो चेक करिए अगर हमने पता है कि सर्टेन ट्रांजैक्शन में गलती हो सकती है 100 परसेंट चेकिंग करेंगे तो ठीक है इकोनॉमीज ऑफ स्केल लिखा है प्रथम ने यूजिंग एक्सेल लिखा है सिमिलर ट्रांजैक्शन रिपीट चले मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको आप 20 फिक्स एसेट्स को उठाओगे उसका डेप्रिसिएट रिकैलकुलेट करोगे उससे बेहतर है आप 20 फिक्स एसेट को लोगे आप उसकी यूजफुल लाइफ देखोगे उसका मेथड ऑफ डेप्रेशन देखोगे रेट देखोगे और इस साल का डेप्रिसिएशन कंप्यूट करोगे इट विल बी टाइम कंज्यूमिंग इससे बेटर है जहां जहां पे सॉफ्टवेयर है जहां जहां पे सॉफ्टवेयर है ऑटोमेटेड चीजें हो सकती है काम करो सीधा फिक्स एसेट रजिस्टर लो और वो सॉफ्टवेयर में अपलोड कर दो और बोलो पूरा का पूरा रिकम्प्यूट कर दे पूरा का पूरा रिकम्प्यूट कर दे पूरा का पूरा रिकम्प्यूट कर देंगे पूरा डेप्रिसिएशन चेक करना ज्यादा आसान है ज्यादा फास्ट है रादर देन 20 एसेट का डेप्रिसिएशन मैन्युअली खुद कैलकुलेट करना समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूं 20 चीजों का डेप्रिसिएशन मैन्युअली चेक करना मुश्किल है टाइम कंज्यूमिंग है ज्यादा एफर्ट्स है इससे बेहतर है 100 परसेंट पूरे एसेट का डेटा अपलोड करके पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन तुम क्या करो रिकम्प्यूट करो वो ज्यादा बेहतर है इट इज मच बेटर हवा ली के मैं क्या बोल रहा हूं अरे यस नो वैसे ही इंटरेस्ट कैलकुलेशन बैंक में आपने लोन देके रखे है आप मैन्युअली इंटरेस्ट कैलकुलेट करने जाओगे पूरा लोन का डेटा लो आपके पास में ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर है उस पर अपलोड करो टोटल इंटरेस्ट निकालना ज्यादा आसान है जहां जहां पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है जो ऑटोमेटेड चेकिंग कर सकते हैं ऑटोमेटेड चेकिंग इज ऑलवेज हंड्रेड परसेंट कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू मैन्युअल मतलब क्या बोलना चाहते हैं ऑटोमेटेड चेकिंग कॉस्ट इफेक्ट हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटेड चेकिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव एज कंपेयर टू फ्यू मैन्युअल चेकिंग अरे समझ रहे क्या ध्यान दो वहां पे हम लिखेंगे कि हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटेड चेकिंग हंड्रेड परसेंट ऑटोमेटेड चेकिंग इज कॉस्ट इफेक्टिव

हमारे पास तो बहुत प्यारा सॉफ्टवेयर डेवलप्ड है वेल रिसर्च सॉफ्टवेयर है हमने डेटा लिया जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बताता हूँ बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं वो बोलते हैं एक कॉलम में हम लोग आप हमको फिक्स एसेट का क्वांटिटी दे दो मतलब उसका सॉरी अमाउंट दे दो दूसरे कॉलम में उसका डेट ऑफ एक्विशन दे दो तीसरे कॉलम में उसका यूजफुल लाइफ दे दो उसका मेथड दो रेट दे दो सॉफ्टवेयर खुद कैलकुलेट कर लेगा विद इन फ्यू मिनट्स कि आपके हर साल का डेप्रिसन कितना होना चाहिए इस साल का डेपरीशिएशन कितना होना चाहिए सॉफ्टवेयर बनाया उस तरीके से सो सॉफ्टवेयर इज सो वेल डेवलप्ड इट इज गुड टू डू दैट रदर देन मैनुअल चेकिंग तो ये वहीं पे पॉसिबल है जहां पे ऑटोमेशन हो अरे जहां पे क्या हो ऑटोमेशन हो और एक एग्जांपल हो सकता है ये सर भी दे रहे थे कभी कभी सिचुएशन में मैं आपको बता हूँ कंपनी की एक ब्रांच है वहाँ पे हज़ार सेल के ट्रांजैक्शन हैं पूरे वाउचर्स जो है रैंडमली रखे हुए हैं एक प्रॉपर सीक्वेंस में नहीं है रैंडमली रखे हुए पूरे मिक्स होकर रखे हुए हैं इसको मैं पहले पूरे एक सीक्वेंस में लाऊं, फिर इसको प्रोडक्ट वाइज क्लासिफाई करूं, मंथ वाइज़ क्लासिफाई करूं, फिर उसमें से मैं सिलेक्शन करूं चेक करूं उससे अच्छा तो मैं सारे के सारे चेक कर डालू वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कभी कभी चीजें इतनी मिसमैनेज होती है चीजें इतनी मिसमैनेजमेंट होती है कि उसको मैं प्रॉपर मैनेज करके सिलेक्शन करके चेकिंग करूंगा उससे अच्छा तो हंड्रेड परसेंट चेकिंग कर लू इट विल बी अरे बी कॉस्ट इफेक्टिव डू यू अग्री विथ मी यस नो तीन चीजें हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन आइटम दूसरा सिग्निफिकेंट रिस्क वाले आइटम तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव अगर है तो वह आपने करना चाहिए अभी पुराने कोर्स में क्या था सिर्फ ये तीन बातें लिखी थी आपके ओल्ड कोर्स में बस ये तीन बातें थी आगे के एग्जाम्पल नहीं आते थे लेकिन ये छोटे छोटे मॉड्यूल के अंदर चेंजेस है कि इन्होंने अब वो एक एक के अंदर और चले गए कि भाई नहीं हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन क्या होगा वो भी बताओ ठीक है नाउ स्पेसिफिक आइए स्पेसिफिक सिलेक्शन कहां करेंगे स्पेसिफिक सिलेक्शन सर क्या होता है क्या हुआ अरे आप नीचे लिख लिख सकते हो ना लाइन ड्रॉ कर लो लिख लो वहां पे स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शन कर ओके okay. नॉलेसन स्पेसिफिक सिलेक्शन मतलब क्या हमने कुछ क्राइटेरिया रखा है हमने क्या रखा है क्राइटेरिया उसके बेसिस पे हम सिलेक्शन कर रहे हैं। इसमें भी तीन बातें आती है अंडरस्टैंड। नंबर वन की आइटम्स सर मतलब सुनो जैसे सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में आप जाओगे तो ऐसा बोला जाता है कि जो टॉप टेन कस्टमर्स है दे गिव नाइन्टी परसेंट रेवेन्यू जो टॉप टेन कस्टमर कितना रहते हैं नाइन्टी परसेंट रेवेन्यू और जो बाकी नाइन्टी परसेंट कस्टमर्स है वो टेन परसेंट रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं तो अगर इस तरीके से है आपका दिखता है कि बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं आपको दिखता है बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ये सबसे बड़े आइटम है तो आपने फिक्स करना चाहिए चल ठीक है टॉप टेन कस्टमर्स को हम पूरा चेक करेंगे टॉप टेन कस्टमर्स को पूरा चेक करेंगे बाकी जो 90 परसेंट है उसमें से सैम्पलिंग करा लेंगे अरे समझ रहे हैं क्या अगर की आइटम्स है की कॉन्ट्रीब्यूटर्स है ये की कॉन्ट्रीब्यूटर्स है बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है अगर की कॉन्ट्रीब्यूटर्स से बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है टॉप टेन कस्टमर वहां पर एग्जाम्पल आप लिखिए टॉप टेन कस्टमर्स अगर है तो आपने उसको भाई ठीक है टॉप वाली जो चीज़ हर जगह पे अपन आपने रूल बना दिया टॉप टेन फिक्स एसेट टॉप टेन इन्वेस्टमेंट टॉप टेन डेटर टॉप टेन क्रेडिटर्स टॉप टेन इन्वेंट्री वैल्यूज़ आपने जो बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर है उन सबको आपने बोला ये मेरा क्राइटेरिया है टॉप टेन का टॉप टेन का क्राइटेरिया है वो कंट्रीब्यूट करने वाले सभी एंड इट वेरी इंटेलिजेंट सिलेक्शन इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट सिलेक्शन कि मैंने देखा कि कौन से लोग परसेंटेज वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे और जो लोग परसेंटेज वाइज ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे मैंने एग्जैक्टली exactly उस पर ध्यान दिया और उनको पूरा सिलेक्ट कर लिया मेहनत कम और कवरेज ज्यादा फिर अबाउ सर्टन लिमिट अबाउ सर्टन लिमिट आप सिंपल एक रूल बना सकते हैं ऑल बिल्स अबाउ टेन लाख रुपीस जितने भी बिल्स है अबाउ टेन लाख रुपीस जितने भी बिल्स है दस लाख के ऊपर वो पूरे सिलेक्ट कर लो भाई दस लाख के ऊपर वाले बिल बहुत बड़े बड़े बिल है नहीं तो बाद में यार हज़ारों में बिल जाते हज़ार वाले बिल सौ चेक किए तो भी इतना एक अमाउंट नहीं बनता तो दस लाख के ऊपर वाले जितने बिल है सारे के सारे सिलेक्ट करो वापस इसमें मेहनत कम और कवरेज ज़्यादा है हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन नहीं कर रहे सारे कस्टमर सिलेक्ट नहीं किए कौन से टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स अरे कौन सिलेक्ट किए टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर्स सारे सेल्स ट्रांजेक्शन सिलेक्ट नहीं किए अबाउ टेन लाख रुपीज इट इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट सिलेक्शन आज आपको ये बता जा रहा है कल जाके नॉट जस्ट ऑडिट ऑडिट की बात नहीं कर रहा मैं कल जाके आपको आपके बिजनेस में कुछ चीज़ें चेक करनी है वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो आपको कोई डेटा एनालाइज करना है वहाँ पे आप इसको यूज कर सकते हो कोर्स में यूज करोगे हर सब्जेक्ट में आप देखते हो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करने वाले चैप्टर कौन से विच चैप्टर कॉन्ट्रीब्यूट वेरी हेवी मार्क्स वेरी गुड मार्क्स खास करके जो सब्जेक्ट में आपको टेंशन आता है फिर आप बोलते इतना कवर हो गया भाई पचास मार्क का तो प्रिपेयर हो गया मेरा पचास मार्क का प्रिपेयर हो गया मन में शांति के भाई पचास मार्क का तो मैं अच्छे से लिख पाऊँगा अरे यस नो yes, फिर उसके बाद कभी कभी ये देखो स्पेसिफिक सिलेक्शन मतलब कोई ना कोई हमने क्राइटेरिया रखा है पहला क्राइटेरिया क्या था हाई कॉन्ट्रीब्यूशन फिर अगला क्या था अबव सर्टन लिमिट अब बहुत इंटरेस्टिंग है तीसरा और आखिरी टू ऑप्टेन सर्टन इंफॉर्मेशन टू ऑप्टेन सर्टन इंफॉर्मेशन सुनिए हमने अचानक देखा कि ऑस्ट्रेलिया से एक लाख डॉलर में आए हमारे पास में कभी नहीं आता फॉरेन से ऐसा पैसा एक लाख डॉलर आया हैं सडनली देर इज लॉर्ड ऑफ मनी फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया और आपने देखा एक कंपनी से आ रहा है और बोले क्या तो हमने उनको कंसल्टेंसी दी थी क्या दी थी कंसल्टेंसी क्यूट बनाने का सबसे आसान तरीका हर जगह क्या किया था कंसल्टेंसी बोले ये खर्चा क्यों दिया उन्होंने कंसल्टेंसी दी थी हमको पैसा क्यों मिला हमने कंसल्टेंसी दी थी बिजनेस कहती उसमें क्या कहते बोले हमने उनके लिए स्ट्रेटेजिक डिसीजन लिए बोले क्या थे वो कॉन्फिडेंशियल है फिर हमको वहां से लगा बॉस ये कुछ गड़बड़ है अब हमने रूल बनाया पूरा डेटाबेस सर्च करो ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी के साथ में जितने ट्रांजैक्शन, जितने रिसीवेबल जितने पेबल जितने कॉन्ट्रैक्ट है सब ढूंढ के निकालो क्योंकि मेरे को ज्यादा इंटरेस्ट है ये ऑस्ट्रेलियन कंपनी का फंडा क्या है ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड जितने ट्रांजैक्शन है सब ढूंढो अब हमारा सिलेक्शन क्या बोलता है इसके आजू बाजू घूम रहे हैं। किसके आजूबाजू ऑस्ट्रेलिया वी आर डूइंग सिलेक्शन टू ऑप्टेन मोर एंड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट ऑस्ट्रेलियन कंपनी कभी कभी सिलेक्शन आप इसलिए करते हो क्योंकि आपको उस चीज की और से और ज्यादा और ज्यादा जानकारी चाहिए अरे यस नो यहां पे क्राइटेरिया कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था यहां पे क्राइटेरिया कोई अमाउंट नहीं था यहां पे क्राइटेरिया था जानकारी मेरे को ये वाली जानकारी ज्यादा चाहिए अब ये कनेक्शन जिधर भी मिलेगा वो मैं सिलेक्ट कर लूंगा अरे समझ रहे क्या जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर अपन बात करते हैं ग्रीन एनर्जी अगर कंपनी बोलती है कि हम ग्रीन एनर्जी में जाने वाले जैसे रिलायंस ग्रुप हेवी इन्वेस्टमेंट कर रहा है, गीगा फैक्ट्री बना रहे रिलायंस ग्रुप इज कमिंग विद गीगा फैक्ट्रीज फॉर बैटरीज बैटरी, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। अब अपने को पता चला कि यार ये तो अब जितने भी इनके, इनके इनकम एक्सपेंस अकाउंट जितने भी कनेक्टेड है विद ग्रीन एनर्जी मैं सब चेक करना चाहता हूं कि इसमें चल क्या रहा है यह कंपनी एक नया बिजनेस लाइन शुरू कर रही है एंड दैट इज ग्रीन एनर्जी आर गेटिंग इनटू बैटरीज ये बैटरी वाले धंधे से रिलेटेड जो भी मूवमेंट है जो भी इनकम एक्सपेंस फंड ट्रांसफर है मैं सब देखना चाहता हूं कि इस धंधे में वो क्या कर रहे हैं अरे इस धंधे में क्या कर रहे हैं अरे समझ रहे क्या भाई अरे यस नो करेक्ट जैसे आपको डाउट आया किसी के ऊपर आपके उसके ऊपर कि भाई इनका और सामने वालों का मेरे को ठीक नहीं दिख रहा कनेक्शन तो जितने भी कनेक्शन होते जितनी बातचीत होती वहां वहाँ पे ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग हो जाएगा कि भाई दाल में कुछ काला तो नहीं है देखो आपकी उम्र में ट्रायंगल के चांसेस बहुत रहते हैं मेरे साथ भी था बराबर अब मैं ट्रायंगल के कौन से कोने में था वो बाद में बताऊँ ठीक है आई वॉज एट द जेलस एंड और आई वॉज एट द पॉजिटिव एंड ठीक है बेनिफिशल एंड <laughs> तो लेसन चलिए फटाफट आइए ध्यान देंगे

स्पेसिफिक आइटम्स और तीसरा क्या है ऑडिट सैम्पलिंग ऑडिट सैम्पलिंग के बारे में ऐसे फाइव थर्टी है उसमें हम लोग पढ़ेंगे द एप्लीकेशन ऑफ वन और कॉम्बिनेशन एप्लीकेशन ऑफ वन और कॉम्बिनेशन ऑफ दिस मीन्स मे बी अप्रोप्रिएट डिपेंडिंग ऑन ऑडिटर्स जजमेंट टू ऑप्टिन एविडेंस सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स दिसाइड दैट इट विल बी मोस्ट अप्रोप्रियट टू एग्जामिन एंटायर पॉपुलेशन जब वो बोलता है कि मुझे पूरी पॉपुलेशन कवर करनी है क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन और बैलेंस और स्ट्रैटम विद इन दैट पॉपुलेशन स्ट्रैटम समझता है ना आपको नहीं। हस रहे तुम्हारे चेहरे पर ही अच्छा पूरे पॉपुलेशन को जब हम लोग ग्रुप में बांटते उसको बोलते स्ट्राटा ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ तो चार क्या हो गए स्ट्राटा अरे चार क्या हो गए स्ट्राटा अगर मैंने प्रोडक्ट वाइज बांट दिया तो प्रोडक्ट अगर पांच प्रोडक्ट है तो पांच क्या हो गए स्ट्राटा जब हम सारी चीजें सिलेक्ट कर लेते हैं या पूरे स्ट्राटा को सिलेक्ट कर लेते हैं स्ट्राटा मतलब ग्रुप स्ट्राटा मतलब ग्रुप हंड्रेड परसेंट एग्जामिनेशन इज अनलाइकली जनरली टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हंड्रेड परसेंट एग्जामिनेशन नहीं होता बट इट इज मोर कॉमन इट इज मोर कॉमन इन टेस्ट ऑफ डिटेल्स सुनो सिग्नेचर अगर बंदे ने एक बार किए बराबर तो बार बार भी सेम करेगा चिंता की कोई बात नहीं है इसलिए टेस्ट ऑफ कंट्रोल में हमको 100 परसेंट सिलेक्शन करना पड़ता नहीं है कहां करना पड़ता टेस्ट ऑफ डिटेल्स में आइए वहां पे जैसे हमने लिखा था स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू एटम क्या बोला स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज वैल्यू आइटम या फिर सिग्निफिकेंट रिस्क है फिशियन अप्रोपेटिड सिग्निफिकेंट रिस्क है और कोई तरीका बचानी है चेक करने का तो हमने क्या करना चाहिए हंड्रेड परसेंट चेकिंग सुनो फ्यू लार्ज वैल्यू आइटम में क्या एग्जाम्पल था एक्सपोर्ट सेल्स अरे फ्यू लार्ज वैल्यू में क्या था एक्सपोर्ट सेल सिग्निफिकेंट रिस्क में क्या था फोर्टी ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी ट्वेंटी क्या थे एक्सपोर्ट सेल्स फोर्टी क्या थे ट्रांजेक्शन विथ रिलेटेड पार्टी वहां पर कौन सी रिस्क है Significant risk है, जहाँ पे पे हो हो, और जो automatically perform हो, वहाँ पे आपने 100% examination करना चाहिए, वो वो कैसा रहेगा? कैसा रहेगा भाई कॉस्ट इफेक्टिव अरे समझाएगा क्विकली ये आखिरी कॉन्सेप्ट क्या पढ़ रहे हैं हम लोग हम लोग जब चीजों को चेक करते ऑडिट एविडेंस बनाते तो सिलेक्शन कैसे करना क्या कैसे करना सिलेक्शन कैसे करना कितने तरीके हैं? तीन पहला कौन सा है हंड्रेड परसेंट सिलेक्टिंग ऑल द आइटम दूसरा एक्सट्रीम क्या है सैम्पलिंग बीच में का क्या है स्पेसिफिक आइटम्स हंड्रेड परसेंट सिलेक्शन कहां रिस्क आप पूरा याद नहीं सकते आपको सिर्फ फ्रेज लगेगा उसको फिर अपने मन से लिखना होगा सिग्निफिकेंट रिस्क और तीसरा कॉस्ट इफेक्टिव जहां पे ऑटोमेटेड चेकिंग है वहां पे हम क्या करते हैं कॉस्ट इफेक्टिव फिर हम बात करते key items की आइटम्स किस की किसकी बात करते हैं की आइटम्स की उसमें भी ती थे की कॉन्ट्रीब्यूटर्स जो सबसे बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना चाहिए अब सर्टन लिमिट आपने सिलेक्ट कर लेना दस लाख के ऊपर सारा सिलेक्ट कर लेना चाहिए तीसरा टू ऑप्टेन इंफॉर्मेशन ऑस्ट्रेलिया वाले कंपनी की ज्यादा जानकारी चाहिए पूरा सिलेक्ट मार दो ग्रीन एनर्जी की ज़्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए पूरा सिलेक्ट कर दो सैम्पलिंग का क्या है एक अलग से ऐसे में पढ़ेंगे कौन सा ऐसे फाइव थर्टी कि सैंपलिंग कैसे करना चाहिए टाइम खत्म हुआ है ठीक है कल ये ऐसे आज आपकी टेस्ट है साढ़े नौ बजे पेपर आ जाएगा कोशिश करिए आधे से थर्टी से फोर्टी मिनट में उसको सॉल्व करने की आपने कोशिश करनी चाहिए ठीक है नौ बजे डाल दूंगा नौ बजे डाल दूंगा अपलोड कब तक करना है अपलोड आपको एक दिन का टाइम मिलेगा पूरा कल रात को 12 बजे तक आप अपलोड कर सकते हो अभी आपकी क्लासेस चल रही है इसलिए